ओके okay. मालिक कुछ एसी एसी का किधर कुछ करने का है सब परफेक्ट है चलो गुड मॉर्निंग चलो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या कर दिया था सर 115 एंड फिफ्टीन देखा था रिवाइज 115 एंड एक बार आ जाओ सभी लोग मेरे साथ BAC एंड फिफ्टीन बी the इज tax डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से यस अंडर दिस पर्टिकुलर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल With every increase of 3 lakh in income, the tax rate will increase by 5%. Special income at special rate HEC at the rate of 4%. Then there was rebate. Rebate was 7 lakh rupees. Then rebate ke sat, sat marginal relief be available? Kya? Yes. The maximum rate of such as here is 25%. Everybody. और फिर नॉर्मल मार्जिनल रिलीफ जो एप्लीकेबल था वो एप्लीकेबल है अब हमने सेवेंथ पॉइंट इसमें मेंशन करना है अब इसमें हमने सेवेंथ पॉइंट मेंशन करना है फॉलोइंग डिडक्शंस एंड एग्जामेशंस नॉट अलाउड आप देखिए 115 एंड फिफ्टीन में आपने क्या करके रखा है पेज भी छोड़ के रखा है देखो 115 एंड फिफ्टीन के साथ साथ एक पेज अवेलेबल है क्या अपने पास ऐसा कैसा बोल रहे हो यार 115 एंड फिफ्टीन के इसमें मार्जिनल रिलीफ था मार्जिनल रिलीफ के बाद पेज खाली होगा ना यार उस पेज में मार्जिनल रिलीफ लिख दिया था कोई बात नहीं कुछ डिडक्शन एंड एग्जामेशन उसमें भी आपके पास हाफ पेज बचना चाहिए हाफ पेज है ना हाँ बहुत हो गया उतना ही चाहिए सो मार्जिनल रिलीफ के बाद 115 बीएसी मार्जिनल रिलीफ के बाद हम यहां पे देख रहे हैं कुछ डिडक्शन एंड एग्जामेशन अवेलेबल नहीं है इसे भी दो पार्ट में लिखना है हाफ पेज में ही लेफ्ट साइड में कुछ और बचे हुए राइट साइड में कुछ तो ऐसे अपन अकाउंट बनाते हैं लेफ्ट एंड राइट तो उत्ते के अंदर में हो जाएगा तो सर कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन हमें छोड़ देना है ये तो हमने 115 बीएससी में देखा था दैट सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन नीड्स टू बी गिव अप यस हो नो तो क्या-क्या छोड़ना है अभी अंडरस्टैंड करिएगा मैं यहां आपको एक लिस्ट लिखा रहा हूं इस लिस्ट में का एक भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आने वाला रीजन क्योंकि ये सारी लिस्ट उन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं बराबर है बरे बरे। तो टेक्निकली अभी हम क्या कर रहे हैं एक क्लरिकल वर्क एक लिस्ट लेंगे लिख देंगे जहां जहां पे भी आगे जा करके वो सेक्शन आएगा मैं फिर से आपको इस पेज पे लेके आऊंगा और बोलूंगा देखो हमने ये पढ़ा था कि इस पे ये बेनिफिट मिलता नहीं समझ में आ रही बात तो हम अभी एक टेंटेटिव लिस्ट लिखने जा रहे हैं जिसमें का एक वर्ड भी किसी को नहीं समझ में आने वाला कि ये क्या है ये कैसा है इसका मीनिंग क्या है ये कब मिलता है कुछ भी नहीं समझ में आने वाला अभी हम सिर्फ एक लिस्ट लिखने वाले हैं जैसे वो होता है ना हम लोग सबसे पहले शेड्यूल थ्री बना देते पूरा का पूरा और फिर उसके अंदर के आइटम को आगे चल के आइडेंटिफाई करते हैं इसमें क्या क्या आएगा क्या नहीं तो हम टेक्निकली अभी सिर्फ एक फॉर्मेट बना रहे हैं समझ में आ रही बात अच्छा जी कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पन हमें छोड़ देने हैं कौन कौन से सबसे पहले अंडर द हेड सैलरी सबसे पहले इन सैलरी एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स एच आर एच आर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन टेन थर्टी फोर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन टेन फोर्टीन और थर्टी फोर तो पहला अंडर द हेड सैलरी हमें चार चीज छोड़नी है एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स एच आर एंड एग्जम्बन सेकेंड इन एच पी ये हेडिंग के फुल फॉर्म तो समझते हैं ना बेटा आपको ठीक है इन एचपी आईओबीसी फॉर एसओपी इन एच पी आईओबीसी फॉर एस ओ पी इन पी जी बी पी इन पी जी बी पी अडिशनल डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव सी 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 डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव इन हाउस एक्सपेंसेस डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए नथिंग इन कैपिटल गेन नथिंग इन कैपिटल गेन आईएफओएस इधर लिखिए फोर्थ पॉइंट एक्सम्शन अंडर सेक्शन टेन डबल ए एसीजेड टेन थर्टी टू माइनर इनकम रुपीज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अलावेंस टू एम पी एम एल एसीड टेन थर्टी टू माइनर इनकम अलावेंस टू एम पी एम एल ए स टू एम पी एम एल ए आई रिपीट अगेन इसमें का एक वर्ड भी अभी आपको नहीं समझेगा ना ही समझना है अंडर सेक्शन टेन सेवनटीन बराबर फिर आउट डिडक्शन में अंडर चैप्टर सिक्स ए ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी सी टू एट्टी यू एक्सेप्ट एट्टी सी सी डी टू एटी सी सी एच टू एटी जे जे ए ए सर ये क्या हुई कुछ नहीं समझ आई रिपीट अगेन फॉर द थर्ड टाइम हम एज ऑफ नाउ एक फॉर्मेट बना के रख दिए कुछ नहीं मालूम हमारे को ये जीवन में होता क्या है यू समझिए शेड्यूल थ्री बना के रख दिया ए टी सी सी डी सबसेक्शन टू ए टी सी सी एच सबसेक्शन टू ए ठीक है हमने कुछ तो फॉर्मेट बना के रख दिया बैलेंस शीट का जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और आज समझना गलती है आप देख सकते हैं डोंट यू थिंक ये आगे के हेड्स है हाँ या ना अगर आगे के हेड्स है जब तक अभी हेड्स ही नहीं पता मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा तो सुन तो आप लोगे समझ नहीं पाओगे समझ में आ रही बात तो लीव इट अब यहां पे एक और पॉइंट एनी लॉसेस ऑब्लिक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू अबाउ Related to above or HP loss cannot be set off with other head cannot be set off. थ अदर हेड बराबर है चलो तो हमने हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीएससी में आया बेटा हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीएससी का टैक्स कैल्कुलेशन वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा समझ लिया यस टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने पूरा समझ लिया अब हमने ये समझना था कि भैया 115 एंड अगर मैं ऑप्ट करता हूं तो कुछ डिडक्शन और एग्जम्पन मुझे छोड़ने होंगे ये प्री कंडीशन थी 115 एंड को लेने की इज इट राइट और नॉट यस तो वो प्री कंडीशन में हमको समझना था क्या क्या चीजें छोड़नी है क्या क्या चीजें गिव अप करनी है तो एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि ये, ये चीजें मुझे क्या करनी है छोड़ देनी है इज दट डन खत्म सो दैट वाज 115 BAC पर 115 BAC अब तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये लिस्ट पूरी की पूरी पढ़नी बाकी है जो हम अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ेंगे इज दैट डन चलो वापस से जाओ इधर कहां बेटा ऑप्शनल टैक्स स्कीम में ऑप्शनल टैक्स स्कीम में क्या क्या था बेटा सबसे पहला था 115 BAC बराबर है कि नहीं राइट right? अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर में माइन नेक्स्ट सेक्शन इज 115 B A A 115 एंड बी ए ए अब समझना है 115 एंड बी ए ए क्या है और इसको किस तरीके से कंप्यूट करते हैं कुछ होमवर्क जो मैंने आपको दिए थे वो बाद में देखेंगे पहले भी फ्रेश कंटेंट बहुत सारा पढ़ना है वो पढ़ते हैं ठीक चलो आ जाओ अब आगे जहां पे भी अब आपके पास पेज खाली है ये वो सेक्शन 115 bwa सेक्शन 115 bwa अब अंडरस्टैंड कीजिएगा आपको कंपनीज के टैक्स रेट एक बार फिर से याद दिलाता हूं फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट कितना था बेटा 40% डोमेस्टिक कंपनी के लिए इधर 25% और 30% बराबर है कि नहीं एक हिस्ट्री को जरा रिकॉल कीजिए 2014 में बोला था मैं कंपनी का टैक्स रेट कहां पे लेके आ जाऊंगा 25% याद आ रहा है क्या आपको यस yes? अब इसके बाद क्या हुआ 2019 के अंदर में कंपनीज के लिए भी क्या लेके आए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेके आए कंपनीज को भी कहा हम इंडिविजुअल को कह रहे हैं आप कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्शन छोड़ दो और लोअर रेट पे पे करो और हम आपके लिए भी सेम काम करना चाहते हैं आप क्या कीजिए एज अ डोमेस्टिक कंपनी आप कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्शन छोड़ दीजिए अप कर दीजिए हम आपको भी और लोअर रेट देंगे

प्लस सेस उनका सेव हो गया अगर वो कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम क्या कर देते हैं गिव अप जैसे आज सुबह जल्दी उठ जाना आज दिन भर मेहनत करना ये तुम्हारे आगे के कई सालों की मेहनत को सीधा सीधा सेव कर रहा है तो आप आज ये करने के लिए रेडी हो गए हो क्योंकि भैया मेरे को अगर आगे जीवन भर बहुत अच्छे से मजे करने हैं मेरे को आज लाइफ में कुछ चीजें गिव अप करनी है ये yes, no? क्या क्या गिव अप करना है बर्थडे गिव अप करना है मेरा यस yes, सुख चैन शांति समृद्धि भक्ति कीर्ति मुक्ति ये अप करने का है मेरे को ये सोनो राइट तो अगर आप देखेंगे यहां पे भी बोला कि भैया आप क्या करो कुछ चीजें अप करो डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी को बोला कि भैया आपको हम क्या करेंगे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे आपको हम क्या प्रोवाइड करेंगे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे सर कितना ऑल दो बेनिफिट कंपनी टेकिंग द ऑप्शन इनको सीधा सीधा बोला गया टैक्स रेट कितना रहेगा आपके लिए ट्वेंटी टू परसेंट प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट मैंडेटरी प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट तो अगर डोमेस्टिक कंपनी ऑप्ट कर रही है सेक्शन 115 बी ए ए तो उनके लिए टैक्स रेट बनेगा 22 परसेंट मतलब 25 परसेंट से भी कम 22 परसेंट लेकिन एक चीज आप यहां पे फोकस कर रहे हैं क्या जो आपको खटक रही है सरचार्ज क्या कर दिया इन लोग के लिए मैंडेटरी जनरली कंपनी को सरचार्ज एक करोड़ रुपए के ऊपर है सेवन परसेंट और दस करोड़ रुपए के ऊपर है ट्वेल्व परसेंट एवरीबॉडी इनको बोला पहले ही दिन से दस परसेंट सरचार्ज मैंडेटरी पहले ही रुपए से दस परसेंट सरचार्ज मैंडेटरी क्योंकि हम आपका टैक्स रेट कम कर रहे हैं हम सरचार्ज जरूर लेंगे प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट बराबर है कि नहीं है एक मिनट कृपया कैलकुलेटर उठाइए ट्वेंटी टू प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट इज द इफेक्टिव रेट जहां पहले कंपनीज को 25 परसेंट प्लस सेवन या 12 परसेंट प्लस फोर परसेंट लगता था इन कंपनी की एक्सपेक्टेशन से भी कम 25.168 परसेंट में पूरा खत्म अब आपकी इनकम किधर भी जाए हमको कोई लेन देन नहीं अब आपकी इनकम किधर भी जाए हमको कोई लेन देन नहीं आप बताइए अगर आप भारत में आज एक बिजनेस ओनर हैं एक कंपनी के ओनर हैं ट दिस गवर्नमेंट फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स ऑब्वियसलीस क्यों क्योंकि उन्होंने क्या किया है क्योंकि क्या किया है आपको क्लियर कट बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्योंकि उन्होंने क्या किया है आपको क्लियर कट बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया कि भैया आप इतना टैक्स रेट बोला तो उन्होंने पच्चीस था प्लस सरचार्ज और से मिला के वो बहुत ऊपर जाता था अब उन्हें बोला भैया पच्चीस पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट दे तेरे को किधर जाने का उधर जाए लेन देन नहीं तेरे को जिधर जाने का उधर जाइ लेन देन नहीं है ये yes सोनो, no. तो इन कंपनीज का इफेक्टिव टैक्स रेट ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट आ गया लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात आपको सी एंट, वैसे ये सेक्शन जो है ये बहुत डिटेल्ड में दिया गया है पर आप आप अगर इनफैक्ट मेरे भी नोट्स ओपन करके देखेंगे इधर देखो इधर देखिए ये देखो, 115 बी ए ए दिख रहा है आपको डोमेस्टिक कंपनी इफेक्टिव टैक्स रेट कितना दिख रहा है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट और इसके नीचे अगर आप देखोगे इसके नीचे आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है लेकिन आपका जो नया मॉड्यूल बना उसने आपको इतनी चीजें दी दी ही नहीं है उसने सीधा आपको बोला कि भैया आप मेरे को इफेक्टिव टैक्स रेट बता दो कितना है एंड मुझे ये बता दो मुझे क्या क्या छोड़ना है दूसरी चीज सर अगर इन कंपनी की स्पेशल इनकम आएगी तो क्या वो स्पेशल रेट पे रहेगी यस yes. इनकम बोलो एट स्पेशल रेट आगे का क्या मैं कह सकता हूं सरचार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इनके लिए कहा सरचार्ज मैंडेटरी है इनके लिए क्या कहा सरचार्ज मैंडेटरी है द स्पेशल इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट सचा टेन परसेंट एच ई सी फोर परसेंट अब कुछ डिडक्शन आपको क्या करने हैं छोड़ देने हैं अगेन हम इसको पढ़ेंगे या सिर्फ एक लिस्ट लिख के रख देंगे आपके हिसाब से डिडक्शन नॉट अलाउड

कंपनी का कोई हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं इट्स आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एचपी की भी लिस्ट यहां से गायब हो गई आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस अ वेरी कॉमन सेंस सैलरी और एचपी कंपनी को हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं बोल रहा हूं कंपनी को हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं हो सकती पर सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं हो सकती समझ में आ रही बात क्योंकि कंपनी एक्चुअली कहीं रह नहीं सकती इट्स आर्टिफिशियल पर्सन बराबर है कि नहीं है तो ऐसे केसेस के अंदर में हमारी लिस्ट यहां पे सीधा कहां से चालू होती है पीजीबीपी समझ में आ रही है बात अब वो लिस्ट कट कॉपी पेस्ट यहां पे भी है मतलब एक जगह पढ़ लो दूसरी जगह वो ऑटोमेटिकली आएगी तो पहला क्या था वहां पे? एडिशनल डेप्रीसिएशन मैं अभी इनमें से एक भी शब्द आपको नहीं समझा पाऊंगा सो so सॉरी दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी तीसरा डिडक्शन अंदर सेक्शन थर्टी फाइव सी 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 ऑब्लिक थर्टी फाइव सी सी डी सी सी डी इज द न्यूएस्ट एडिशन देखिए उस लिस्ट कुछ है डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव इन हाउस एक्सपेंसेस डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए तो कुछ चीजें पीजीपीपी में हम नहीं लेंगे सैलरी और एचपी लिस्ट में आ ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी को डेवलप ही नहीं होते कैपिटल गेन आई में कुछ है ही नहीं फिर सीधा नेक्स्ट क्या बचता है एग्जामेशन एंड याद आ रहा है क्या फिर नेक्स्ट क्या बचता है एग्जामेशन नेक्स्ट क्या बचता है बेटा एग्जामेशन सेक्शन टेन डबल ए जेड सेक्शन टेन डबल ए जेड एक बार फिर से प्लीज मेरे लिए पलट लीजिए ना 115 बीएससी में देखिए एग्जामिशन में तीन लिस्ट थी अभी हमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है हा? वहां पे पहला था माइनर इनकम कंपनी का बच्चा हो सकता है क्या तो माइनर इनकम वहां आ नहीं सकता कंपनी में एम पी का कोई काम वो आ नहीं सकता इसीलिए सिर्फ एक ही बच्चा टेंडबल है मतलब टेक्निकली हमने एक ही लिस्ट ली उसमें से जो कंपनी के काम की चीज नहीं है उसको बाजू कर दी और बची हुई पूरी लिस्ट इधर लाके खड़ी कर दी आर यू गेटिंग द पॉइंट अब वहां पे एक ही चैप्टर बचता कौन सा डिडक्शन एवरीबर्ड समझ रहा है क्या हम वही लिस्ट को क्या कर रहे हैं कट शॉर्ट कर रहे हैं डिडक्शन के अंदर में ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट ए बी सी एटी जे जे ए एटीएम एम एक्सेप्ट एटी जे जे ए ए और ए टी एम लीजिए सर एक और सेक्शन खत्म हुआ अब वहां पे भी एक लिस्ट लिखी थी लॉसेज एंड अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन Related to above, related to above, shall not be allowed to be set off or carry forward. इज ए डन अभी ये लाइन क्या है इस लाइन का मीनिंग समझिए इस लाइन का मीनिंग मैं अभी आपको समझा सकता हूं हाल फिलहाल में इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग है बेटा, डिडक्शन जो हम कह रहे हैं ये आपको अलाउड नहीं है मान लीजिए किसी कंपनी को इससे कोई लॉस अराइज हुआ होगा पिछले सालों में इस सेक्शन को लेने से पहले क्या इस साल में वो सेट ऑफ कर पाऊंगा नहीं जब इसी साल वो डिडक्शन अलाउड नहीं है मान लीजिए इसके पहले ईयर को या आपने डिडक्शन लिया होगा वो लॉस को भी फिर मैं सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा तो इन इन सेक्शन से रिलेटेड ना डिडक्शन सेट ऑफ कर पाऊंगा मैं ना कोई लॉस सेट ऑफ कर पाऊंगा समझ में आ रही है बात क्योंकि ना मैं इसका कोई बेनिफिट लेना चाहता हूं तो करंट ईयर में भी मैं इसका कोई बेनिफिट नहीं लूंगा पास्ट में भी अगर कोई बेनिफिट मैंने इसका लिया होगा उसका सेट ऑफ भी मैं इस साल नहीं कर पाऊंगा पर इस लाइन को अगर भैया आप नहीं भी समझ पाए तो इट्स ओके कंप्लीटली हम इसको आगे ही समझने वाले हैं वैसे भी पूरा का पूरा चलिए एक और सेक्शन कंप्लीट हुआ 115 बीएए 115 बीए व्हाट इज द इफेक्टिव टैक्स रेट गाइस 25.168% पक्की बात कंपनीज के लिए एक और सेक्शन था बोलो कौन सा 115 बीएबी डोमेस्टिक कंपनी एंगेज्ड इन टू डोमेस्टिक कंपनी एंगेज्ड इन टू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी एंगेज इन टू मैन्युफैक्चरिंग बराबर अब देखिए 2015 में एग्जिस्टिंग मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया एक नारा चालू किया मेक इन इंडिया ऑब्वियसली इंडस्ट्री बेस्ड बेनिफिट लाने के लिए इन्होंने कहा मेक इन इंडिया हम इंडिया में अब क्या करेंगे यू you नो know, बनाना शुरू करेंगे अब ऐसा क्यों हो रहा था बिकॉज ऑफ दाइनाज इंफ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड आज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर में आफ्टर यूएसए यूके चाइना ही आ रहा था और हमारा डिपेंडेंसी उनके ऊपर बहुत ज्यादा था, तो इसे पूरा इंडस्ट्री बेस पे शिफ्ट करने के लिए क्या किया गया मेक इन इंडिया लाया गया दुनिया भर की सब्सिडी दी गई कंपनीज को बेनिफिट दिया गया लेकिन कोई भी कंपनी को और ज्यादा ग्रो करने के लिए एक सहारा और देना होता है टैक्स का कि उनको की जब तक के हम लोग छूट नहीं देंगे तब तक कंपनी उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएगी yes क्योंकि आप एक बात समझिए आज कोई भी बिजनेस को चालू करना है इमेजिन शार्क टैंक इंडिया कोई भी अच्छा आइडिया है लेकिन कोई भी व्यक्ति एक चीज को यू you नो know, फेस करता है वो है कैश क्रंच बराबर है अब वो लोन लेने जाता है वो बेचारा एक तरफ इंटरेस्ट भरता रहे और एक तरफ टैक्सेस भी भरता रहे तो आंट्रप्रेन्योर का ओन सेविंग कुछ नहीं होगा बिजनेस मोटिवेशन नहीं आएगा क्योंकि आंट्रप्रेन्योर वर्क ओनली फॉर वन थिंग दैट इज प्रॉफिट बरे बरे। उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं एक तरफ इंटरेस्ट दे रहा है एक तरफ टैक्सेस दे रहा है और मेहनत खुद दिन भर कर रहा है तो उसका तो मोटिवेशन पूरा ही खत्म है धरती पे उसका तो मोटिवेशन पूरा ही खत्म है है धरती पे इसीलिए इसीलिए क्या किया जाता बेटा टैक्सेस के बेनिफिट दिए जाते हैं कंपनी को भर भर के वादा कितना किया था कितना परसेंट टैक्स लेके आऊंगा पच्चीस मोदी जी ने बोला लिखना मत सुनना पहले अगर आप इनकम कमाते हैं लिखना मत सुनना इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखिए 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 और बुरा नहीं लगना चाहिए आपको एज ए इंडिविजुअल टैक्स रेट पंद्रह परसेंट मतलब अगर तुम पैसा कमाओ टैक्स रेट तीस परसेंट कंपनी पैसा कमाए टैक्स रेट पंद्रह परसेंट एंड दैट इज वाई एवरी वन राइट नाउ इज ओपनिंग अ कंपनी जो आदमी पहले प्रोपराइटरशिप में काम करता था इन्होंने इतना गजब दिमाग लगाया क्योंकि प्रोपराइटरशिप कोई लॉ से गवर्न नहीं होता जबकि कंपनीज कंपनीज एक्ट से गवर्न हो जाती है एंड देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज वन पर्सन कंपनी तो आज लोग इतना गजब का दिमाग लगवा रहे प्रोपराइटरशिप को ऑप्ट ही नहीं कर रहे सीधा कंपनी वन पर्सन कंपनी में ऑप्ट कर जा रहे समझना रही बात अब उनको समझ ही नहीं आ रहा आपको टैक्स का लालच दे के प्रोपराइटर जो किसी लॉ से गवर्न नहीं होता था अब आपको कंपनीज एक्ट से गवर्न करने लगा रहे अब इसमें आपका मेरा फायदा क्या है कंपनी कंपनी है बेटा अकाउंट्स और ऑडिट तो ये करेगा कौन मैं ये करेगा कौन मैं कंपनी को एडवाइजरी देगा कौन मैं कंपनी की ऐसी थे आई मीन कंपनी की इनकम को कंसिडर करेगा कौन मैं समझ मार और इसीलिए आप लोगों का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोग प्रोपराइटरशिप पे अब शिफ्ट नहीं हो रहे अब लोग सीधा ओपीसी पे शिफ्ट हो रहे हैं समझ बात टैक्स रेट 15 परसेंट पर आप तो जानते ही हैं यहां सरचार्ज क्या है मैंडेटरी यहां सरचार्ज क्या है बेटा लिखना नहीं है रुक 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 रुक, रुक लिखना नहीं है लिखना नहीं है फोर तो मेरे प्यारे बच्चे को जरा कैलकुलेटर यूज कर इफेक्टिव रेट निकाल क्या मैं कह सकता हूं सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन परसेंट चेक करो कैलकुलेटर पे आ गया सभी का एक प्यारी लड़की मेरे को पूछती है सर पंद्रह प्लस दस प्लस चार ट्वेंटी नाइन परसेंट हुआ ना रिस्पैक्ट पंद्रह का दस परसेंट प्लस चार परसेंट है ना बेटा पंद्रह परसेंट प्लस दस पंद्रह प्लस दस परसेंट प्लस चार परसेंट अच्छा अब मोदी गवर्नमेंट ने यहां पर चला के दिखाई उन्होंने कहा सिर्फ जितनी अच्छा एक बात बताओ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम कमाएगी या अदर इनकम भी कमा सकती है फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो क्या रिलायंस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से कमाएगी क्या नहीं मैन्युफैक्चरिंग से आए हुआ पैसा हो सकता है वो एफडी में रखे और एफ से इंटरेस्ट कमाए हो सकता है वो किसी और कंपनी लेट से जियो में इन्वेस्ट करे वहां से डिविडेंड कमाए सरकार ने बोला जितनी इनकम मैन्युफैक्चरिंग से है उस पर पंद्रह परसेंट चाहिए मतलब जो हमारी अदर इनकम है जो हमारी अदर इनकम है उसका क्या सवाल तो उठना चाहिए जो हमारी अदर इनकम है इसका क्या भारत सरकार ने बोला जो आपकी अदर इनकम है लेट से एच पी से आ रही है आई एफ ओ एस से आ रही है इनके लिए टैक्स रेट ट्वेंटी टू परसेंट सरचार्ज टेन परसेंट एच ई सी फोर परसेंट क्या कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं अभी तो पड़ा था ना ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट तो इनकी इनकम को बाइफरकेट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग से आने वाली पे सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन नॉन मैन्युफैक्चरिंग से आने वाली इनकम 25.168 और तुम कहीं भूल तो नहीं गए हो ना स्पेशल इनकम तो स्पेशल रेट पे ही जाती है स्पेशल इनकम विल ऑलवेज बी एट स्पेशल रेट सरचार्ज विल बी एट द रेट ऑफ 10% परसेंट एच विल बी एट द रेट ऑफ 4% परसेंट समझ में आया क्लियर डिविजन यस अब सुनो ना सर्टन डिडक्शन नॉट अलाउड सेम एज 115 एंड सेक्शन खत्म वही जो लिस्ट अभी ऊपर आपने पढ़ के आई कट कॉपी पेस्ट मुटाटिस मुटंडिस हियर मुतातीस मुटंडिस एज इट इज समझ में आया अब आप लिख सकते बहुत हार्ड था ना ये भी तो ऐसी कंपनी मैं हट जाता हूं फक्त तुम सर अभी आपने बोला था कंपनी एचपी से अर्न नहीं कर सकती मेरे लाल मेरे होने वाले बच्चों के चाचा कंपनी अरे <laughs> <laughs> कंपनी का सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकता रेंटल इनकम जनरेट हो सकता है फिर भी ये वर्ड आपको आगे क्लैरिफाई होंगे जैसे कि मैंने कहा हाल फिलहाल में आपको ये वर्ड नहीं भी समझ में आया तो ओके। टैक्स रेट समझ लो तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं लिखते लिखते उसका जवाब दे दीजिए वॉट इज द बेसिक डिफरेंस वॉट आर द बेसिक टू डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी ए बी वन बी ए बी इज एप्लीकेबल ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेकेंड डिफरेंस टैक्स रेट सेकेंड डिफरेंस क्या है बेटा टैक्स रेट मैन्युफैक्चरिंग से आने वाली पे सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन है नॉन मैन्युफैक्चरिंग से आने वाली पे ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट है और स्पेशल इनकम तो स्पेशल रेट पर थी ही बचपन से सरचार्ज ऑप्शनल स्कीम में हर एक में मैंडेटरी है मतलब 115 एंड में देखो आप मैंडेटरी था इफ द इनकम एक्सीड यहाँ पे कंपनीज के केस में 10 परसेंट इज मैंडेटरी रुपए की इनकम से 10 मैंडेटरी लिख दिया मतलब एक रुपए की इनकम से बेटा 115 BAC BAA BAB आज हम सिर्फ इसका टैक्स रेट पढ़े हैं ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं ये सेक्शन कंप्लीट कराने के लिए मुझे सब हेड से गुजरना होगा तो तुमको समझ में आएगा बार-बार यहाँ लाना होगा कि देख बेटा हमने ये यहाँ पढ़ा था और ये अलाउड है ये अलाउड नहीं है पर हमारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 में वैसे भी टैक्स कैलकुलेशन के रेट समझना है का पेज पलटिए ऑप्शनल टैक्स रेट कौन कौन से थे 115 BAC, 115 BAA, 115 BAB. अब ऑप्शनल टैक्स रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी होंगे हा ना सेक्शन 115 आई एम बैड सुनो को ऑपरेटिव सोसाइटी ये तो और भी ज्यादा हार्ड है मालूम चलिए पहले रिकॉल करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट्स कौन कौन से थे बेटा देखो एक मिनट एक बच्चा है फैज़ बेटा मैं आपके कई बहुत बार से चैट देख रहा हूँ अभी आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो सर आपका एकत्वम में कितना परसेंट स्टेक है हंड्रेड परसेंट एंड जीरो परसेंट एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से तेरे अटेम्प्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना इसको हम सीधे शब्दों में कहते हैं बेटा पंचायती है ना

दूसरे का सोच के तेरे को कुछ नहीं होने वाला समझ में आया क्या राइट right? सब पूछेंगे तू कैसा है अगर तेरे पास पैसा है तेरे वाले पे फोकस कर मेरे वाले पे नहीं बराबर है कि नहीं मैं वैसे भी रिबेट में आने वाला आदमी है मैंने आपको पहले ही बोला मैंने ये नहीं कहा मैं इनकम नहीं कमा रहा आई नेवर सेंट मैं इनकम नहीं कमा रहा मैं ये कह रहा हूं कि मैं रिबेट में आ रहा इस दो स्टेटमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है आप समझ रहे हैं मेरी बात को तो बेटा ऐसा मत कर तू प्लीज कंसेप्ट बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट बच्चे है ना और तेरे को एक बात मतलब एक बात बात बताऊं मतलब जेंटलमैन बताता हूं लड़की से उसकी एज और लड़के से उसकी इनकम नहीं पूछते बेसिक कोर डिफरेंस है सभी लड़कियों को मैं बता दू दिस क्वेश्चन टू अ बॉय यू आर स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड लड़के से तीन चीजें बिल्कुल नहीं छीनने की कोर डिफरेंस समझो लड़के से तीन चीजें बिल्कुल नहीं छीनने की पहला है उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नेवर आज दिस क्वेश्चन तेरे को तेरी गाड़ी ज्यादा प्यारी है या मैं लड़का झूठ बोल देगा कि तू इनर बॉय उसकी गाड़ी हम वो हैं जो हला के बता देते कितनी दूर जाएगी आई I मीन mean, गाड़ी हला के बता देते कितनी दूर जाएगी तो गाड़ी इज ऑलवेज अ प्यार इफ यू वॉन्ट यू टू बी ट्रीटेड एज गुड ट्रीट हिज वेहीकल गुड बराबर है कि नहीं लड़को बराबर दूसरा लड़कों से उसकी इनकम नहीं पूछते और तीसरा तेरे को तेरे दोस्त के बारे में ऐसा कैसे पता है हमको हमारे दोस्त का सब कुछ पता है सब कुछ बराबर एक ही नहीं है हमारे केस में ना वो भाई है भाई क्या है वो भाई और भाई का सब कुछ पता है समझे और हमको बिल्कुल शर्म नहीं आती एक दूसरे के कपड़े पहनने में भी बराबर है की नहीं है सब कुछ ठीक है बेटा चलो आओ फोकस करो को ऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई साहब बहुत हार्ड है हाँ समझना बहुत हार्ड है टैक्स रेट विल बी ट्वेंटी टू परसेंट प्लस सरचार्ज मैंडेटरी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फिल इन द ब्लैंक्स ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट चलिए फिल इन द ब्लैंक्स स्पेशल इनकम स्पेशल रेट विल सरचार्ज भी मैंडेटरी एच ई सी तो बिन बुलाए मेहमान है ओ माई गॉड डोंट यू थिंक ये बी ए से मैच कर रहा है चेक कर लो बी ए कट कॉपी पेस्ट इधर डाल दिया मैंने सर्टन डिडक्शन आर नॉट अलाउड सर्टन डिडक्शन आर नॉट अलाउड ठीक है चलिए कुछ बच्चे ऑनलाइन एक और मस्त बात कह रहे हैं सर लेट लेट हैलो गाइज ऑनलाइन वालों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं डिस्कशन करने के लिए तीन बातें मैं आपको पहले भी बता दूं हमारा एक ओपन ग्रुप है डिस्कशन के लिए जहां पे आप या ऑनलाइन वाले बच्चे पूरा का पूरा डिस्कस कर सकते हैं किसी भी बच्चे के पर्सनल ग्रुप में मत जाओ लास्ट बैच में ऐसा हुआ है लड़कियों को पर्सनल मैसेज आने चालू हो जाते हैं दूसरा कई लोगों के साथ मॉनिटरी स्कैम हुआ हुआ है और तीसरा ये आपका टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है हमारा ओपन ग्रुप है मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा आप उसके अंदर में ज्वाइन करो वो कम्प्लीटली मेरे कंट्रोल में है जहाँ पे भी किसी ने कोई फालतू के काम किए वो सीधा ग्रुप से बैन हो जाता बराबर है तो हमारा एक ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल ग्रुप दोनों है जहाँ पे डिस्कशन और बाकी चीज़ें पूरी हो सकती है तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा बाकी इन सब में कुछ मत पढ़ना ठीक है कुछ कुछ लड़के ऐसे बहुत खाली रहते जिनके कुछ पर्सनल एजेंडा रहते हैं आप समझ रहे हैं ना स्पेशली बच्चियां तो बिल्कुल मत ज्वाइन करना आई होप यू कैन अंडरस्टैंड चलो आओ कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्शन आपको छोड़ देने हैं हम हर जगह कुछ पढ़ के आए हैं याद आ रहा है क्या आपको हम हर जगह कुछ पढ़ के आए हैं कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्पन आपको क्या करने हैं छोड़ देने हैं सर वो कौन कौन से डिडक्शन एंड एग्जाम्शन है जो आपको छोड़ देने हैं प्लीज राइट डाउन दिस लिस्ट सर चीटिंग है ये। लो लिखो अब यहां से एक चीज गायब हो गई देखो पूरी लिस्ट से डिडक्शन में एट्टी एम गायब हो गया रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम यानी एक जगह पढ़ो दूसरी जगह सिर्फ कॉपी है सर फिर हम ऐसा नहीं लिख सकते सेम एज एक्सेप्टेडीज एक जग... नहीं लिखो तुम्हारी मेहनत एक जगह जहां कम करनी है वहां करूँगा इसी के बाद वाले सेक्शन में वो These particular deductions are not allowed from 115 ओके डन कभी तो हाँ बोलो नाउ द बे हैज कम ને બચ્ચા? વહી તુલિશ તેરે ક્યા લગ કરે હો झलक का क्या ये हो गया ये स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली पठानकोट हो गया बेटा आप लोगों का भी देहरादून जल्दी बताओ असम बढ़िया कंपनी एंगेज इन टू मैन्युफैक्चरिंग मैंने यहाँ पे तीन चीजें बनाई कोऑपरेटिव एंगेज इन टू मैन्युफैक्चरिंग वाह भाई हमारे पास एक बच्चा कराची से भी है बहुत बढ़िया बेटा लव फ्रॉम इंडिया <laughs> नहीं है आपको एकत्वम एकेडमी आल्सो सर्व्स टू द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान दुबई एंड नेपाल एज ऑफ नाउ तो वहाँ से हाँ वहाँ पे भी जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान भी है yes. और उनका और अपना सिलेबस लगभग सेम है पूरा का पूरा तो जस्ट इनके ऐसा लगता है मैंने अब्रॉड जाना चाहिए यू कैन कंट्री है मतलब ऐसा क्या है, है ना चलो सुनो कंपनी एंगेज इंड टू मैन्युफैक्चरिंग सुनो ना सुनो 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 कॉमन सेंस की जरूरत है आपके मैंने यहाँ पे तीन कॉलम बनाए आपके हिसाब से ऐसा क्यों होगा सरकार का जो मैंने आपको पूरा विजन बनाया उस हिसाब से खुद कॉमन सेंस लगा के तीन चीजें पे तोड़ो पहला इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इनकम फ्रॉम नॉन मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा स्पेशल इनकम ओ माय गॉड क्या मैं बी ए बी की कॉपी कर रहा हूं यहां टैक्स रेट भी कॉपी है टैक्स कॉपी है लिखो इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटी और इधर आएगा बेटा आपका स्पेशल इनकम चलो रिवाइज करो बिना पेज पलटे मैन्युफैक्चरिंग इनकम से आने वाले पे टैक्स रेट इनने कितना कर दिया था 15 सरचार्ज चाहे तुम कुछ ना कहो ये मैंडेटरी है एच ई सी विल the एट द रेट ऑफ़ फोर परसेंट काश मुझे कोई इफेक्टिव टैक्स रेट बता देता सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन परसेंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ट्वेंटी टू प्लस टेन प्लस फोर परसेंट मतलब ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट एंड स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट जैसे लॉन्ग टर्म होगा तो बीस परसेंट इसमें सरचार्ज मैंटरी है चाहे तुम कुछ ना कहो सरचार्ज मैंटरी है बहुत हार्ड है ना पर आपको ये सब फटाफट एंटर किया होगा बिकॉज ओनली वन थिंग तो इस साल से एक नया सेक्शन आया है पर इसमें नया कुछ नहीं आया है समझ रहे क्या सेक्शन नया आया है पर इसमें नया कुछ नहीं आया है कुछ डिडक्शन एग्जामेशन छोड़ने पड़ेंगे सर्टन डिडक्शन नॉट अलाउड अब यहां पे मेहनत मत करो सेम एज 115 एंड बी ए डी अब समझा मैंने ऐसा क्यों किया यहां मेहनत मत करो इज दैट डन बिकॉज असएसीज आर डिफरेंट दोम बट असैसीज आर डिफरेंट सो जस्ट इन केस आफ्टर टू इय मोदी गवर्नमेंट थिंक दैट नाउ देर इज नो नीड फॉर अर सेपरेट टैक्स रेट फॉर कॉर्पोरेट बट देर इज अ नीड फॉर कोऑपरेटिव सो दे वुड ओनली रिमूव वन एंड नॉट द अदर ये इस डन खत्म एक मिनट आपने ढंग से नहीं सुना खत्म चैप्टर इज ओवर है सेक्शन इज ओवर कौन सा सेक्शन फोर सेक्शन फोर हाँ हाँ पलटो 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 दस पंद्रह पेज पीछे पीछ जाओ दस पंद्रह कितने बीस पच्चीस कुछ भी जाओ 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 सेक्शन चार पे जाओ अब जाके सेक्शन चार को रोक दो हम सेक्शन चार पे हैं अभी भी सेक्शन चार पे है हाँ। देखो ना वहां पे एक वर्ड लिखा था जिसको तोड़ रहे थे रेट वेलकम टू गोवा सिंघम चलो बेटा हम कहां पे है सेक्शन चार पे अब इसको पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा चलो बेटा अब इसको पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा इनकम टैक्स इज पेबल बोलो बेटा मेरे साथ इनकम टैक्स इज पेबल स्टॉप क्या मुझे इनकम वर्ड क्लियर है क्या टैक्स वर्ड क्लियर है पेबल कब इन असेसमेंट ईयर हम कब पे करते हैं असेसमेंट ईयर लेकिन पांच एक्सेप्शन है इसके जनरली इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर पर इसके पांच एक्सेप्शन है वो मेरा भाई क्या कर रहा था गणपी डांस इतने में कौन आई शिव से कौन उतरी उसने बोला मैं तुझे क्या बनाऊंगी लड़का कहता है मैं दो काम करके आता हूं अपना सारा सामान बेच के आता हूं अपनी दुकान जैसी आए तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे याद आ रहा क्या उन पांच केसेस में उसी ईयर में टैक्स भरना है जिस ईयर में इनकम अराइज हुई हो बाकी सब केस में इस साल की इनकम पे टैक्स अगले साल भरना है हेंस एक्ट रूल्स याद आएगा तो इनकम टैक्स पे करना है असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो एनएल फाइनेंस एक्ट में लिखा है किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम टोटल इनकम मतलब पांच हेड की इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ माइनस डिडक्शन टोटल इनकम पे किसी भी पर्सन के पर्सन मतलब इंडिविजुअल एजेपी कंपनी याद आ रहा है क्या लोकल अथॉरिटी राइट किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम पे जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है उस पर इनकम टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो एन फाइनेंस एक्ट में लिखा है रेट का मतलब दो पार्ट नॉर्मल रेट स्पेशल रेट नॉर्मल रेट एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर में दिया है स्पेशल रेट इनकम टैक्स के अंदर में दिया है रेट के दो क्लासिफिकेशन ओल्ड रेट एंड न्यू रेट जो दो में है ओल्ड रेट के अंदर के तीन पार्ट ऐसा अलग अलग दिया हुआ है टू फिफ्टी और फाइव याद आ रहा है क्या अरे 253 और 5 एच ई सी एट द रेट ऑफ फोरसेंट सर चार्ज पांच लाख रुपए तक के रहेगा सॉरी रिबेट पांच लाख रुपए तक के रहेगा सरचार्ज मैक्सिमम रेट 37 परसेंट तक के आएगा राउंड ऑफ इन रुपीज टेन में मल्टीपल में होगा याद आ रहेगा स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट कंपनी के लिए पच्चीस परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट कोऑपरेटिव के लिए पहले दस हजार फिर दस हजार पे बीस परसेंट फिर तीस परसेंट फर्म के लिए तीस परसेंट याद आ रहेगा ये सब उठाया ओल्ड रेट अब आए न्यू रेट न्यू रेट के अंदर में इंडिविजुअल कंपनी कोऑपरेटिव इंडिविजुअल के अंदर में तीन छह पंद्रह याद आया रिबेट सात लाख तक मैक्सिमम सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट कलर का राउंड ऑफ एचईसी सेम स्पेशल इनकम सेम ठीक है कंपनी के दो पार्ट नॉट एंगेज मैनुफेक्चरिंग एगेज इन मैन्युफैक्चरिंग नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन एट सिक्स एट

रेट ऑफ टैक्स नाउ यू नो वॉट इज रेट ऑफ टैक्स अब तक हमने कितने सेक्शन पढ़े सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन नंबर वन याद आ रहा है क्या द एक्ट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट फिर हम लोगों ने टू ट्वेंटी फाइव ए इंडिया पढ़ा क्या होता है 224 ट्वेंटी इनकम क्या होता है फिर हम लोगों ने पढ़ा याद करो याद करो याद करो याद करो टू थर्टी वन परसेंट टू नाइन एस सॉरी टू सेवन एस एवरीबडी टू सेवन एस फिर टू नाइन असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेक्शन फोर बेसिस ऑफ चार्ज इसी के साथ साथ हाँ टू एटी एट ए टू एटी एट बी एटी सेवन ए कुछ याद आ रहेगा एटी सेवन ए सिर्फ चैप्टर नंबर वन के अंदर में चले जा रहा है इसके अलावा आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी फाइव टू फोर्टी फाइव वन ट्वेंटी थ्री देन 246 समझ में आया 112 111 A 112 A 115 ए हंड्रेड ए एक डबल बी 115 डबल बी एक् 115 बीबीजे कुछ तो याद कर लो ना लायकों जस्ट चैप्टर नंबर वन भूल दे तो नहीं गए ना 115 सौ 115 बी 115 सी 115 सौ 115 बी ए एक सौ पंद्रह बी ए बी एक सौ पंद्रह बी ए डी अरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट वन जा एट एट टू जा सिक्सटीन का का काम मेरा रोज तुमने मस्ती मस्ती में लेकिन इस पच्चीस सेक्शन में टेक्निकली तुमने चार ही पढ़ा इस चार को खोदते 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 तुम पच्चीस तक के चले गए समझ में आया टेक्निकली तुमने चार ही पढ़ा वन वट इज बेसिस ऑफ चार्ज टू दैट इज सर्टन डेफिनेशन थ्री दैट इज प्रीवियस ईयर फोर दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज आर यू गेटिंग द पॉइंट तो आपने अब तक इतने सेक्शन पढ़े हैं अब कैसा लग रहा है सिर्फ चार को तोड़ते 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 आप पच्चीस तक के पहुंच गए इनकम टैक्स जस्ट कवर टू नाइनटी एट सेक्शन अब समझा मैंने क्या बोला था टू नाइनटी एट कहने के लिए है सेवन फिफ्टी एट है क्योंकि वो 115 को सिर्फ 115 काउंट करते हैं, वो 115 को सिर्फ 115 काउंट करते हैं, वो ये आगे के जितने तुमने एबीसीडी लगाया है ना वो उनके काउंटिंग में नहीं है मस्त ना ये याद रखना आपने इतने सेक्शन अब तक करे हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे अब हमारा चैप्टर क्या रहेगा क्योंकि सेक्शन नंबर चार तो हमने कंप्लीट कर लिया अब इसके बाद आपको कुछ और चीजें दी है वो हमें पढ़नी होगी इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें भी दी है वो हमें पढ़नी होगी दैट इजोज इनकम कौन सी चीज बेटा अनडिस्क्लोज इनकम नाउ अंडरस्टैंड कीजिएगा ये अनडिस्क्लोज इनकम क्या होता है ये अनडिस्क्लोज इनकम क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है सुनना जिसकी मूवमेंट मन सोर्सेज ऑफ इनकम अनडिस्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम यस पर इससे पहले आपको एक प्राउड की चीज बताऊं कल सी एम ए इंटर एंड सी एम ए फाइनल वालों का रिजल्ट आया वी आर प्राउड टू अनाउंस सी एम ए इंटर ए आई आर सिक्स ए आई आर सेवन ए आई आर फोर्टीन ए आई आर ट्वेंटी वन इन सी एम ए फाइनल सिक्स सेवन फोरटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइन फिफ्टी ऑल इंडिया रैंक्स आर फ्रॉम एकत्वम सो नॉट जस्ट इन सी ए इन सी ये अब तक के जितने रिकॉर्डेड ए आई आर ये उतते हैं अब तक जितनी पते चले हैं जस्ट मेक श्योर वी डोंट सेल इट यू हैव इट बराबर चलो आओ अब आते हैं मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अनडिसक्लोज इनकम अभी क्या होती है मुझे आपको थोड़ा सा यहां से निकाल के फाइनल पे लेके जाना पड़ेगा फॉर फ्यू मोमेंट समझना बराबर है उस दिन हमने देखा था किसी के घर पे रेड पड़ी थी याद आ रहा है क्या आपको कौन था वो जिसके घर पे रेड मारी थी हमने मेहता था ना कोई कौन था चलो धन दो अभी है नहीं आया नहीं आया नहीं, पता नहीं किसी के घर पे तो भी रेड मारते हाँ ये, ये ना ये मेहता ना हाँ चलो ये मेरे भाई के घर पे रेड़ पड़ी तो चलिए रेड़ में क्या हुआ था एक बार वापस देखते हैं बायोलॉजी नहीं था याद है ना हम जिसको ढूंढ रहे थे वो नहीं मिलने वाली थी तो मेहता जी के घर पे रेड मारी सबसे पहले जब भी किसी के घर पे रेड मारते हैं उसके पहले होता क्या है आप जब मेरे साथ सीए फाइनल में रहेंगे तब एक पूरा चैप्टर है सर्च एंड सीजर चलिए इसके पहले थोड़ा सा बेसिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ रेड में होता क्या है जब भी किसी के घर पे रेड मारनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक पूरी टीम जाती है साथ साथ में कुछ पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं ये सब आपको फाइनल में कवर्ड है सिर्फ अभी समझ लेना राइट और इससे रिलेटेड प्लीज कोई क्वेश्चन मत पूछना रेड में ऐसा हुआ तो क्या रेड में ऐसा हुआ तो क्या यू आर प्री मेचोर्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट ठीक है जितना बता रहा हूँ उतना ही आपके काम का है तो रेड होती है रेड के अंदर में पुलिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस वाले भी जाते हैं प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जाते हैं इसे विटनेस करने के लिए मतलब स्कूल का डीन या कलेक्टर किसी ऑफिसर को असाइन करता है विटनेस करने के लिए कि ये जो रेड है इसमें फेक काम तो नहीं हो रहा कुछ यस तो रेड के अंदर में सभी लोग पहुंचते हैं रेड कब चालू होती है एज पर लॉ सनराइज होने के बाद कभी भी हो सकती है रेड़ चालू और सनसेट होने से पहले कभी भी रेड चालू हो सकती है रेड चालू होने का समय दिया है रेड खत्म होने का नहीं मतलब अगर आपने अजय देवगन सर की रेड मूवी देखी होगी वो सुबह पांच बजे रेड के लिए निकलते दैट इज बिकॉज द रेड जो चालू होती है वो सूर्य सूर्य उदय होने के बाद होती है कभी भी तो आप ये कभी भी कर सकते हो क्या एक से ज्यादा ठिकानों पर रेड हो सकती है होती ही है उस व्यक्ति से रिलेटेड जितने प्रमाइसेस है सब पे एक साथ रेड होती टीम बना करके रेड किया जाता है रेड ये कॉमन पार्लेंस वर्ड वर्ड है जबकि इसका एक्चुअल सर्च एंड सीजर है जब actual word है जबकि इसका एक्चुअल वर्ड क्या सर्च और सर्च के दौरान मिली हुई चीजों को सीज कर लेना समझ में इसलिए इसको सर्च एंड सीजर बोलते हैं पर शॉर्ट फॉर्म में इसे रेड कहा जाता है अच्छा जी सर अब रेड के कुछ बेसिक रूल्स है जैसे जब रेड हो रही होती है नो वन कैन कम इन एंड नो वन कैन गेट आउट मतलब ड्यूरिंग द रेड कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता और कोई अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता तो अगर आपने उधर का वो मूवी देखा होगा अजय देवगन का वो रामेश्वर सिंह जी बोलता है मेरे को एक बार बस बाहर जाने दो फिर मैं तुमको बताता हूँ मैं कौन हूँ एंड अजय देवगन सर बोलते हैं कि मैं रिस्क लेके तुमको भेज रहा हूँ दूसरा बोलता है सर ये तो एज पर रूल्स अलाउड ही नहीं है वो बोलते हैं जाने दो देखो तो सर ये कहाँ तक के जाता है देखू तो सर ये कहाँ तक के जाता है तो ये जनरली अलाउड नहीं है हालांकि ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो किसी को भेजना चाहे तो भेज सकता है बराबर है अब रेड के दौरान रेड के दौरान क्या क्या अधिकार है रेड के दौरान का पहला अधिकार किसी किसी भी भी को सर्च कर सकते किसी भी। तो वो क्या रिलीजियस प्लेस पे वर्क कर सकते हैं ये yes, इसीलिए देखिए मंदिर में भी वो बोल रहे थे राइट कुए के अंदर गाय के इसके अंदर में तो किसी भी जगह पे एनी प्रमाइसिस लॉ में लिखा हुआ है दूसरा ब्रेक एंड ओपन के राइट्स दिए हैं पहले प्यार से चाबी मांगेंगे किसी भी चीज को ओपन करने की नहीं तो उसको ब्रेक करने का अधिकार है इसीलिए देखिए पानी मार के दीवार फोड़ दिया ऊपर का स्लैब हटा दिया किसी भी चीज को ब्रेक एंड ओपन के राइट से तीसरा राइट जो चीज मिली उसको सीज किया जाता है मतलब देखिए मिलेगा क्या क्या पहले समझते हैं क्या क्या मिलेगा आपके हिसाब से रेड में पहला मिलेगा मनी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोई एक मंत्री थे शायद कांग्रेस सरकार के 300 करोड़ का कैश मिला गिनने के लिए तीन दिन लग गए क्या सीखा इससे रेड चालू होने का समय खत्म होने का नहीं मशीनें दो बेकार हो गई पैसा गिनते, गिनते। तीन सौ करोड़ समझ में आ रहा के आगे सात जीरो गिनने को कितना टाइम लगेगा तुम ये सोच के देखो गिनने को कितना टाइम लगेगा और पैसा अगर अस्त व्यस्त हालत में है तो पहले सौ सौ के बंडल बनाओ कितना रबर बैंड लगेगा ये सोचो है ना और फिर उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 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 एक गड्डी लगाते जाओ अब क्या होता है पहले मिलता अनएक्सप्लेन मनी इसको क्या बोलते हैं अनएक्सप्लेन मनी इसको क्या बोलते बोलो बेटा अनएक्सप्लेन मनी अब ये अनएक्सप्लेन मनी होता है दूसरा क्या मिलते होगा दूसरा दूसरा मिलता होगा आपको प्रॉपर्टी एंड अदर वैल्यूएबल्स प्रॉपर्टी एंड अदर वैल्यूएबल जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अब इसमें सब आ गए आपकी बेनामी प्रॉपर्टी आ गई बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है प्रॉपर्टी के पेपर आपके घर पे मिले हैं लेकिन आपके नाम के नहीं है तो एक्सप्लेन करिए आए कहां से क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर जनरली कोई भी ऐसी थोड़ी ना ट्रांसफर करता है आए कहां से ज्वेलरी आपके यहां मिल रही है मोती हीरा प्रशियस स्टोन डायमंड आपके यहां मिल रहे हैं सब हो गए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट आपके ना घर पे एफडीज मिली है पर ये आपके नाम की नहीं है Unexplained investments हो गई है बात तीसरा हो सकता है इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिसक्लोज इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्कलोज अंडरस्टैंड कीजिए रेड जब हो रही थी अचानक से एक ऐसा रजिस्टर मिला ये रजिस्टर जैसे ही खोला तो पता चला इसके अंदर में लिखा था प्रॉपर्टी एक्चुअली लाख की खरीदी जिसमें से व्हाइट चालीस लाख दिया ब्लैक तीस लाख दिया अब इन्वेस्टमेंट तो आपके बुक्स में रिकॉर्डेड है, है रेड में, में जितनी चीजें अज्यूम की जाती है एसएसी की है। उसको माना जाता है कि इसमें हैंडराइटिंग जो है वो एस की है और उसके अंदर में जो कुछ लिखा है वो फैक्ट है ये बाद में होता है असेसमेंट में कि वो प्रूव करके दे कि ये सब जो लिखा था ये मस्ती में था ऐसा कुछ था नहीं ये हमारा एक्सपेक्टेशन था और जो तो तीस लाख कैश लिखा है वो हम सोच रहे थे फर्नीचर बनाएंगे पर बनाया नहीं एक्सप्लेनेशन उसके आगे के बहुत कुछ है अब बात समझ रहे हो क्या अचानक आपके पैंट में से कुछ ऐसा निकला जो मम्मी के लिए ऑब्जेक्शनेबल है मेरा नहीं है वो दर्शन का डीके उसका है वो। आप एक्सप्लेनेशन बाद में क्या दे रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग मिल गया पहले पहले माना जाएगा किसका है तुम्हारा समझ में आ रही बात रेड में भी ये ये कॉमन है है तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली बराबर चौथी चीज मिलती है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर चौथी चीज क्या मिलती है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अब ये अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर क्या होता है हम किसी के घर में गए हम किसी के घर में गए वहां पे मस्त ज़बरदस्त इटालियन कारपेट रखा हुआ है क्या रखा हुआ है इटालियन कारपेट वो ये तो कारपेट बहुत सुंदर है हाँ हम लोग है ना एक्चुअली इटली गए थे ना तब लाए थे ओ अच्छा काफ़ी महंगा लग रहा है रेड के दौरान है ना बातों बातों में चीजें पूछी जाती है काफी महंगा लग रहा है हाँ उस टाइम छः लाख का लिया था खर्चा किया है पैसा कहीं से तो आया होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उल्टा सोचता है खर्चा किया इनकम कहीं से तो आया होगा अरे भाई धुआं उठ रहा है कहीं तो आग लगी होगी बात समझ ना धुआं उठ रहा है कहीं तो आग लगी होगी तो यही चीज वो बोलते बेटा खर्चा किया है इनकम कहीं से तो आई होगी अगर तुमने ये खरीद के लाया है छह लाख का कौन से ईयर में लाया था सत्रह अठारह में सत्रह अठारह की बैलेंस शीट दिखाओ उसमें एक्सपेंसेस किधर बुक किया है अरे पर सर ये तो पर्सनल यूज का था पीएनएल में यूज नहीं किया ड्राइंग तो दिखनी चाहिए थी पांच लाख अगर ये बिजनेस का नहीं है पर खर्चा हो गया है बिजनेस का है तो तुमने खर्चा बुक किया होगा बिजनेस का नहीं है बिजनेस से पैसा आया होगा ना फिर ड्रॉइंग की तरह पांच लाख की बाप दखा नहीं तो शाद कर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर क्या चीज बेटा अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर पांचवा अमाउंट बोरोड अच्छा घर में मस्त पेंटिंग लगा के रखी यस कोई स्कल्पचर्स है ऐसा मस्त स्कल्पचर है खर्चा किया है इनकम कहीं से तो आई होगी ना बराबर है कि नहीं है तो खर्चा किया है मान लो कि भैया वो जो असेस है उसके हाथ में घड़ी दिख रही उसके हाथ में घड़ी दिख रही सर घड़ी तो बहुत प्यारी है किधर से ली है कितने की ली है अच्छा बोले सर एक लाख रुपए की घड़ी एक लाख रुपए की घड़ी तो इनकम तो कहीं से आई होगी ना आप बात समझ रहे हो मेरी ये बात अलग है आप ये बोल सकते हो फ्यूचर में जाके कि ये मेरे को गिफ्ट मिली थी आज रेड के दिन क्या प्रिजम्पन है तुम्हारी है तुमको बिलोंग करती है और सब कुछ तुम्हारा है अगर किसी और का है उस आदमी को बोलो बिल लेके आए पर रेड का कॉमन प्रिजम्पन है जो कुछ मिला सब तुम्हारा है समझ में आ रही है बात अब क्या होता है एक और चीज होती है अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हु रिपेड ऑन हुई नाउ आप इस हुई को ऐसा समझिए अनसिक्योर्ड लोन अब देखिए क्या होता है हम लोग कई बार हैंड लोन लेते हैं मतलब कुछ पीरियड के लिए लोन लिया और ये दिया जनरली ये जो लोन होते हैं कैश में होते हैं जनरली ये जो लोन होते हैं में होते हैं कैश और हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं ब्याज बट्टा बोलते हैं ना जिसको एक टके से अब ऐसा क्यों लेते हैं उसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है आज के आज पैसे की जरूरत पड़ रही है धंधे के अंदर में मैं एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस नहीं करना चाह रहा अब बैंक लोन लेने जाऊंगा तो पहले तीन साल के आई दे के डॉक्यूमेंट पूरे कर कोई ना कोई एसेट को प्लेज कर दुनिया भर के सारे कंप्लान्स कर मॉडेज का पूरा डीड बना इससे अच्छा तो सीधा सीधा क्या करूँ मैं भाई पैसे देता हूँ उतार तेरे को देता हूँ एक महीने में बराबर है ये बोलता ठीक है भाई मेरे को एक काम कर एक टके पर ले ले एक टके का मतलब क्या है प्लीज़ इस बिजनेस लैंग्वेज को समझिए ये आपके लिए काम का है। एक टके का मतलब है वन परसेंट पर मंथ दैट मींस ट्वेल्व परसेंट पर एनम एम एक टके से ले ले तो जब कोई कहता है आप अपने पापा को पूछना आज बोलना पापा ब्याज का भाव क्या चल रहा ब्याज का भाव क्या चल रहा तो वो पूछेंगे कौन से ब्याज का बोलना अनसिक्योर्ड लोन का अगर हैंड लोन ले रहे तो उसका क्या चल रहा तो वो बोलेंगे सत्तर पैसा से लेकर के दो रुपया तक के दो रुपये सैकड़ा ये वर्ड यूज करेंगे आपके डैड सत्तर पैसे से दो सैकड़ा इसका मतलब दो परसेंट पॉइंट जीरो पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट सेवन जीरो से लेकर के टू परसेंट तक के कुछ भी तो अगर पार्टी बहुत सॉलिड है इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम में दिया जाता है क्योंकि इनको पैसे देने के लिए दस लोग खड़े हैं बरबर है कि नहीं और पार्टी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी डामाडोले पैसे देगा या नहीं इसको हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है टू परसेंट पर मंथ ट्वेंटी फोर परसेंट पर एनम नम रही बात जबकि बैंक कितने में दे रहा है एट परसेंट तो ये सैकड़ा घूमता है इसको हम कह सकते हैं अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी अब एस के घर पे गए जैसे एस एस के घर पे गए एक रजिस्टर मिला इस रजिस्टर को उठा के देखा रजिस्टर को उठा के देखा इसके अंदर में लिखा हुआ है भाई पाँच लाख रुपए इस दिन लिए पाँच लाख पच्चीस हजार विथ इंटरेस्ट पे कर दिए कैश में ये पांच लाख रुपये आपने रिकॉर्ड तो किए नहीं ये पच्चीस हजार कहाँ से आए कहाँ को गए जबकि लॉ एक क्लियर कट बात करता है बीस हजार रुपये के ऊपर का कोई भी व्यवहार अकाउंट पे ही चेक से ही होना चाहिए आपने तो पांच लाख का व्यवहार कर दिया टू इन कैश ऐसे ट्रांजेक्शन पे इनकम टैक्स हंड्रेड परसेंट पेनल्टी लगाता है हंड्रेड परसेंट मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू का हंड्रेड परसेंट पांच लाख की पेनल्टी कैश में व्यवहार होना ही नहीं चाहिए अब ये भी रेड में आइडेंटिफाई किया जाता है अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुडी अब ऐसे केस में चाहे आपके रेड में कोई अनएक्सप्लेन मनी पकड़ा गया चाहे आपके रेड में कोई अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट पकड़ा गया चाहे आपके रेड में इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज की गई ऐसे सारे केस में सबसे पहले एओ आपसे क्या मांगेगा एक्सप्लेनेशन एओ आपसे क्या मांगेगा एक्सप्लेनेशन एओ क्या रिक्वायर करता है एओ रिक्वायर करता है एक्सप्लेनेशन एंड फ एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन आप इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए फॉर गिवन एन एग्जाम्पल मान लो ये जो अपनी पुरुआ है इसके घर पे रेड़ मारी एक मस्त ज्वेलरी मिली बराबर है ये क्या कहती है सर ये मेरा नहीं है सच्ची ये मेरी ननद का है वो वो एक्चुअली यहाँ आई थी तो वो छोड़ के गई अच्छा नंदे इतनी भी अच्छी होती है ज्वेलरी छोड़ के चल जा रही नहीं नहीं सर सच्ची में ही उसका है वो तो मैं एक फंक्शन में जा रही थी ना इसलिए मैंने लिया था उससे पक्का उसका है सर सच्ची मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी ठीक है एक काम करो उसको बोलो बिल लेके आए अगर उसका है तो उसके नाम का बिल होगा बोलो बिल लेके है? नहीं तो क्या जमशन है तुम्हारा है सबूत दिखाओ चीज छुड़ा लो विषय खत्म समझ में आई क्या बात अब आप इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाए हम वेट कर रहे थे क्या जी बिल लाइए। ननद का है ना सर एक्चुअली वो मेरी सगी ननद नहीं है दूर की है यूएसए में रहती है ऑनलाइन बिल मंगाओ बिल मंगाओ ना सर एक्चुअली उसके पास भी बिल अवेलेबल नहीं है So जी बिल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन और एक्सप्लेनेशन गिवन बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री अब मेरे को क्लियर कट समझ में आ गया कि भैया ये ना एक्सप्लेनेशन दे पा रही और जो एक्सप्लेनेशन दे रही वो मेरे को सही लग रहा नहीं ऐसे केस में भाई और बहनों All these income are taxable at the rate of 60%. SE Sari income are taxable at the rate of 60% under section 115 fifteen W E. All these income are taxable at the rate of 16%. एट द रेट ऑफ बोलो बेटा सिक्सटी परसेंट यस अच्छा जी सर सर क्या ऐसी इनकम के ऊपर सरचार्ज भी लगता है यस सर चार्ज मैंटरी ट्वेंटी फाइव परसेंट और आप भूले तो नहीं है ना इफेक्टिवली इनके ऊपर टैक्स रेट लगता है तो जब भी आपके मन में आए कि चलो इनकम टैक्स से चुरा लेंगे जब भी आएगी पूरी बारात आएगी और अभी आप भूलना नहीं है आपने ये तो टैक्स रेट है प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी सर पेनल्टी कितना मिनिमम फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स मैक्सिमम टू हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स लेने के देने ना पड़ जाए समझ में आ रही है बात चलो वापस से पूरा गेम वापस से समझाता हूँ ठीक है पूरा गेम वापस से समझाता हूं सर आप ये इतना सब कुछ समझा रहे हैं ये सब कुछ हमारे सिलेबस में है वाह मैं तो आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ एज पर मॉड्यूल राइट ये सब आपको दिया हुआ है दीज आर कॉल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड इनकम क्या बोलते बेटा अनएक्सप्लेन्ड इनकम अनडिसक्लोज इनकम मनी ये देखिए ये आपके मॉड्यूल में यहाँ दिया हुआ है दिख रहा है क्या कुछ बेटा ये यहां पे? सेक्शन 68 कैश क्रेडिट्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे कोई कैश क्रेडिट्स दिख रहे हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये आया कहां से यस अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन मनी अन अमाउंट नॉट फुल्ली डिस्कलोज इन द बुक्स अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हु समझ में आ रहा है क्या यह सब आपके मॉड्यूल के अंदर में दिया हुआ है अब लॉ क्या कहता है बताइए अब लॉ कहता है कि अगर ऐसा कोई भी इनकम है जो आप जनरेट कर रहे हैं बींग एन अनएक्सप्लेन मनी इनकम इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन मनी इनकम और इन्वेस्टमेंट तो भाई साहब आप ए सबसे पहले क्या करेगा चलिए बताइए रेड मारी आपने इधर एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं कैश क्रेडिट्स कैश क्रेडिट्स बराबर है अब एओ सबसे पहले आपके घर पे रेड में ये सब चीजें उठाएगा

ऑफिसर्स आते हैं उस ए ग्रेड ऑफिसर्स आते हैं उसको विटनेस करने के लिए कि हाँ तुम्हारे घर से ये ये चीज मिली है फिर उनकी कस्टडी में लेकर के जाते हैं सर रखते कहाँ हैं बैंक में बैंक बिकेम कस्टोडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास खुद का लॉकर नहीं है ये सब रखने के लिए समझ में आ रही बात तो ये बैंक के पास लेके जाते हैं टू बी स्पेसिफिक एस के पास लेके जाते हैं नियरेस्ट और वहां पर या तो हेड ब्रांच ऑफ द सिटी वहां पे एज अ कस्टोडियन इसे रखा जाता है इसके बाद क्या होता है एओ आपको बुलाता है फिर आपको समय देता है लव लेटर भेजता है ये लव लेटर होता है सेक्शन 143 का इसलिए मैं लव लेटर कहता हूं 143। कैसे याद रखोगे सीए फाइनल का 143 अगर तुम्हारे घर पे आया रियल लाइफ में ये बहुत अच्छी बात है इनकम टैक्स में यू विल आई हेट यू हो जाएगा समझ में है यार थ्री का लव लेटर आता है 143 का लव लेटर आके आपको बुलाया जाता है इस पर्टिकुलर दिन पे मेरे ऑफिस में आइए आई वॉन्ट टू मीट यू अब यहाँ आपको खुश नहीं होना है है ना इनकम टैक्स में क्लबिंग का मतलब वो नहीं है जो नॉर्मली समझा जाता है इनकम टैक्स में वन फोर्टी थ्री का वो मतलब नहीं है जो नॉर्मली समझा जाता है आर यू गेटिंग द पॉइंट यस आपको वन फोर थ्री आया इफ योर डैड और सम वन इज अ चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम योर फैमिली उनको पूछना वन फोर्टी थ्री थ्री क्या है वो बोलेंगे असेसमेंट नोटिस है असेसमेंट नोटिस मतलब एओ का लव लेटर आया है पूर्वा जी आपके घर पे हमने रेड मारी थी हम चाहते हैं अब आप आकर के हमसे मिलिए बराबर है अब वो आती है स्पेसिफिक डे के ऊपर खैर अब तो फेसलेस असेसमेंट आ गए तो एक्चुअली फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ता पर रेड्स के केस में आज भी कई जगह पर फिजिकल विजिट्स है इनको बुलाया जाता है अब इन्हें एक एक चीज पूछी जाएंगी हाँ जी आपके घर पे ये मिला बताइए इसकी हिस्ट्री समझाइए कहाँ से लिया था कितने में लिया था इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाइए सारा एक्सप्लेनेशन पूछेंगे जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर है उसको बाजू कर देंगे जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर है ये बोल रही है कि सर मैंने ज्वेलरी को लिया था इस पर्टिकुलर ईयर में लिया था ड्राॅइंग्स भी दिख रही है और जस्टिफाई भी हो रहा है यस yes, बाजू कर दिया फिर ये पर्टिकुलर एसेट मिला ये पर्टिकुलर एसेट बताइए मेरा नहीं है मेरी ननद का बिल बताइए नहीं नहीं एक्चुअली सर ये मेरा ही था पर लिया उसने था एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे या जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा ऐसे सारे केस में ऐसी इनकम पे एक सेपरेट सेक्शन लगाया जाता है एक डबल बी ई और ये कहता है टैक्स रेट कितना है ऐसी इनकम पे सिक्सटी तो इसकी इनकम कंप्यूट होती है इनकम कैसे कंप्यूट होगी मैटर ऑफ फाइनल। यस और कितना है फोर तो ऐसी इनकम पे इफेक्टिव टैक्स रेट कितना बन जाएगा सेवेंटी एट परसेंट प्लस इंटरेस्ट लगेगा वो अलग प्लस पेनल्टी लगेगा वो अलग सर पेनल्टी कितना लगेगा मिनिमम पचास परसेंट तो लगे गए, लगेगा ही लगेगा हालांकि ये 200 परसेंट तक जा सकता है एओ डिसाइड करेगा कितना लगाना है एओ डिसाइड करेगा क्या कितना लगाना है पर सर मान लो मुझे उसका ऑर्डर पसंद नहीं आया तो मतलब वो अपना काम कर देगा सर मान लो दो बातें होंगी यहाँ से जो आपके मन में आएगी अभी इस लेवल पे सर मान लो मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं पे करना जो बनता है कर लो मैं नहीं पे करेगा अब क्या अब क्या जेल क्रिमिनल ऑफेंस है क्या क्या करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्दर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 132 बी है सीए फाइनल में वो आपको कहता है प्यार से दिया तो ठीक है नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन ऑप्शन दिस अट्स एंड रिकवर द टैक्स दे हैव अ चार्ज ऑन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर देन फिर वो बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे कम आया तो वापस नोटिस भेजेंगे लव लेटर भर ज्यादा आया तो बैलेंस इसके हाथ में पकड़ा देंगे ये इतना बच गया रख लो समझना है सर मान लो आपने पे कर दिया तो पे कर दिया तो पूरा मसला ही खत्म अब मैं आपसे कल कुछ कह रहा था सीबीडीटी ने एक लाख रुपए तक की पेनल्टी माफ़ की है समझ में आएगा क्या माफ़ किया है समझ में आ रही है बात सीबीडीटी ने एक लाख रुपए तक की पेनल्टी माफ़ करी है अब क्या होगा पे कर दिया तो विषय खत्म पूरा आसेट या आपका आसेट जाओ लेके जाओ अब आप रेगुलराइज हो गए इनकम टैक्स में इसके आगे ऐसी हरकतें नहीं करने की समझ में आएगा वैसे भी एक हद बार धोखा मिल जाए नेक्स्ट टाइम आदमी बहुत सचेत रहता है इनकम से क्यों ना हो ये क्लियर है मालिक गिव द हेडिंग अनडिस्कलोज इनकम्स गिव द हेडिंग अनडिस्कलोज इनकम्स गिव द हेडिंग अनडिस्कलोज इनकम्स अब एक बात समझिए ये अनडिस्कलोज इनकम आने ही कहां वाली है रेड्स में उसके पहले आपको खुद होके पता नहीं चल सकता जैसे मुझे नहीं पता आपके घर पे कितना पैसा है या आपको नहीं पता मेरा शेयर है बराबर है तो लॉजिकली जब तक के आपका नहीं कर देता उसको क्लियर हो ही नहीं सकता आपके पास क्या है क्या नहीं उसको सपना तो नहीं आएगा बराबर है लिखो पहला मैंने आपको बता दिया आगे तक के कैसा है तो स्पेस अकॉर्डिंगली यूज करना पहला लिखो अनएक्सप्लेन मनी पहला लिखो अनएक्सप्लेन्ड मनी दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट तीसरा है इनकम नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड Investment not fully disclosed. Unexplained in expenditure, unexplained expenditure. अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हंडी लास्ट में कैश क्रेडिट्स एओ रिक्वायर एक्सप्लेनेशन एओ रिक्वायर एक्सप्लेनेशन require explanation if explanation not given if explanation not given, or it is not satisfactory. इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ सिक्सटी परसेंट अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन डबल बीई एक प्लस सरचार्ज मैंडेटरी ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस एचईसी फोर परसेंट इफेक्टिव रेट सेवेंटी एट परसेंट हाँ तो आप चुराना चाहेंगे है ना इसीलिए पहले ही चैप्टर में तुम्हें सब कुछ बता दिया जाता है बेटा देख लो ताकि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ आए भी सर मैं ऐसा करके वैसा कर लूंगा वैसा करके वैसा कर लूंगा कर लो आज जिस दिन पकड़े जाओगे पूरी बारात आएगी है ना सब आएंगे जीजा जी भी आएंगे फूफा जी भी आएंगे मौसा जी भी आएंगे सब आएंगे चलिए प्लस इंटरेस्ट प्लस, प्लस, प्लस पेनल्टी इंटरेस्ट और पेनल्टी अभी मत लिखिए ये आपके लॉजिकली फाइनल के सिलेबस में है मत लिखो जरूरत ही नहीं है फाइनल में पूरा चैप्टर है रेड इंटरेस्ट पेनल्टी इज द डन अभी कुछ सवाल मैं बस दो मिनट के लिए, लिए फटाफट कुछ सवाल ले रहा हूं इस पर जो सवाल रेलिवेंट नहीं होंगे वो हम उसको बाद में डील करेंगे ये सोनो राइट पहला सवाल सर ये ऑक्शन जो होता है ये किस वेबसाइट पे होता है ये इनकम टैक्स में फिजिकली होता है ठीक है सर इसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं क्या बिल्कुल जा सकते हो आपके पास अधिकार है पर असेसमेंट तो कंप्लीट होगा आपको नहीं समझ में आ रहा आप कोर्ट में जाओ कोई तकलीफ नहीं है सर अन इनकम का कोई सेट ऑफ या लॉस अलाउड है क्या नहीं ये इनकम डायरेक्टली टैक्सेबल है सर हुंडी मतलब क्या होता है वो नहीं समझ में आया देखिए हुंडी एक प्रोमिसरी नोट जैसा होता है पर प्रोमिसरी नोट आपका नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर है यहाँ हम एक डॉक्यूमेंट रहता था उस पर रेवेन्यू स्टैंप लगाते थे उस पर लिखते थे मैं विजय सारडा धारक को इतने पैसे दूंगा इस तारीख तक के दूंगा मैं अपने आप को बाइंड करता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट से पर ये कवर कहीं नहीं था और इसीलिए इसका ही एक लीगल चेहरा लेके आया प्रोमिसरी नोट समझ में आया तो प्रोमिसरी नोट से पहले क्या हुआ करता था हुंडी अनसिक्योर्ड लोन का फॉर्मेट था एक ये yes सुनो no? पर फिर भी लिख के ले लिया जाता था ताकि सामने वाला मुकरे ना पर इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता था तो इट्स अ काइंड ऑफ एन अनसिक्योर्ड लोन यस अच्छा सर चोरी करना पाप नहीं है पकड़े जाना पाप है हर जगह ही कांड करना गलत नहीं है कांड पकड़ा गया तो गलत है यस yes? अच्छा सर और किसी का को कोई सवाल है मालिक यहाँ पे अमाउंट बोरोड और रिपेड और हुंडी ये जो अमाउंट बोरड और रिपेड और हुंडी है ना बेटा ये कैश में होता था और कैश अलाउड नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं प्लीज लेक्चर में ध्यान दो कैश मैक्सिमम बीस हजार तक के अलाउड है तो बीस हजार के ऊपर का जो कैश सिस्टम है वो अलाउड नहीं है आप आगे जाएंगे ना पीजीबीपी में वहां देखेंगे कि कैश अलाउड नहीं है एक है एक सेक्शन के ऊपर का कोई भी व्यवहार आपको चेक से करना है और अगर आप इसे कैश में कर लेते हैं राइट तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है क्योंकि यहां पे क्लियर है आपका इंटेंशन था इस ट्रांजेक्शन को नहीं दिखाना जी एज आई सेड सर अभी ये समझना सेंसेबल नहीं है क्योंकि ये पूरा फाइनल का पार्ट है कि जैसे ज्वेलरी आया तो ज्वेलरी का रेट जितने में हमने खरीदा था वो पकड़ा जाएगा कि मार्केट वैल्यू पकड़ा जाएगा फॉर दिस अ होल चैप्टर इज़ देयर इन सीए फाइनल मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो सीए फाइनल का नोट्स है किधर गया हाँ सी फाइनल का नोट्स है सी फाइनल के नोट्स में देर इज़ अ कंप्लीट चैप्टर कॉल्ड एज सर्च एंड सीजर ये देखो सर्च एंड सीजर हम यहां देखेंगे कि फिर यह सट का वैल्यू कैसे निकालते हैं वैल्यू के ऊपर फिर टैक्स कैसे निकालते हैं कोई डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा सो ऑन एंड सो फोर्थ तो हमें अभी क्या समझना है हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये समझना है ऐसा कुछ इनकम आ जाता है तो उस पर टैक्स रेट कितना है ये yes सोनो no? बाकी इसका वैल्यूएशन ऑन ऑल फाइनल का गेम है हम अभी बहुत प्री में चौरे मतलब सिलेबस वाइज भी हम प्रूव कर दो ना इनहेरिटेंस भी होगा तो बिल होगा वन फिफ्टी like से, तो 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 से भी आ रहा है तो कहीं तो रिकॉर्डेड होगा ना कहा से आ रहा है और आप अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाते अच्छा आप बोल रहे हो वन फिफ्टी से आ रहा है तो इसमें एक और चीज होती है ए बोलता है अगर ये सच में वन फिफ्टी ईयर ओल्ड है आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास इसे वैल्यू करवाओ और इसका एजिंग चेक करो उ यू विल आइडेंटिफाई दैन ये बोल रही है कि मेरी यू नो एक सौ पचास से हमारे पुरखों से चलते आ रहा है अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है फिर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाओ रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बोलो भी ये साल पुरा नहीं, ये कितने साल पुराना है ये आइडेंटिफाई कर तो कुछ चीजों को देख के क्लियरली अंडरस्टैंड हो सकता है तो ऐसा नहीं है एओ बस एओ का सोल पर्पज ये नहीं है कि टैक्सी कलेक्ट करना है कुछ चीजें जिसको आप अग्री कर सकते हो तो वैल्यूअर आएगा वैल्यर वैल्युएशन रिपोर्ट देगा और तो ही काम होगा तो ये वो पार्ट बनता है हां जी और कुछ है सर एओ रेड के बाद में बिल भेजती है एओ रेड के बाद में 143 भेजता है तो उतने टाइम में फ़ेक बिल बना सकता है क्या आयुष इस बात को थोड़ा सा लॉजिकली समझना फ़ेक बिल नहीं बना सकता मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अंडरस्टैंड करना सपोज पूर्वा के घर पे रेड़ पड़ी पूर्वा मेरे पास आई बोले यार विजय तू तो मेरा दोस्त है ना विल यू प्लीज़ हेल्प मी मैंने बोला हाँ बोल क्या चाहिए उसने मुझे लगाया बोले यार एक फेक बिल बना के देना इसका फेक बिल तो मैं बना लूंगा एओ मेरे पास आएगा ना री चेकिंग करने के लिए क्रॉस ऑडिट तो मेरे से होगा ना मेरे से अगर होगा पुरानी बिल बुक कहाँ से लाऊं फिर मेरे रिकॉर्ड्स में भी तो उस साल में दिखना चाहिए ना सेल्स में वो तुरंत मेरे से मेरा अकाउंटिंग डेटा मांगेगा बोलेगा बता सेल्स रिकॉर्ड दिखा सेल्स अगर हुआ है तो एक सेल्स की एंट्री होगी पुरवा के नाम की वो दिखा बैक डेटेड किधर से ओपन करूँ मैं हालांकि इसके फिर कुछ तरीके भी होते हैं पूरा सीखो ना सीख रहे हो तो पूरा सीखो सीख रहे हो तो जब ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो बीच में ब्रेक नहीं करते हालांकि इसके कुछ तरीके होते हैं चाय पिलाओगे क्या चाय पिलाओगे तो बताता हूँ नहीं तो मैं ये फाइनल में बताता हूँ सर आपके घर पे अगर दुकान होगी ना तो एक बार जरा चेक करना बिल बुक होगी और हर बिल बुक में ना दो तीन बिल जानबूझ के खाली छोड़ते हैं समझ में आ रहा है आप देखिएगा अपनी दुकान जानबुझ के जाना उसमें ना बिल बुक ऐसा स्क्रोल करना जैसे कोई बुक स्क्रोल नहीं करते ऐसा ऐसा स्क्रोल करना आपको दिखेगा जानबुझ के बीच में एक दो तीन पाँच बिल खाली छोड़ दिया जाता है जानबुझ के छोड़ा जाता है नहीं तो आखिरी के एक दो बिल तो कंफर्म खाली छोड़ते किसी भी साल में किसी भी टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है उस टाइम पे ये बनाना और फिर ये बिल जो बिकता है ना ट्रिपल रेट में बिकता है पूर्व आएगी भाई पांच लाख का बिल बना के दे पंद्रह लाख लगेंगे भाई धंधे की बात है मैं भी तो रिस्क ले रहा हूँ ना तेरे साथ पता चला तेरी हेल्प करने में मेरे लग गए पंद्रह लाख लगेंगे बोल सीधी बात है ना दो परसेंट की पेनल्टी मेरे पे भी आएगी मैं भी तो दो परसेंट का बेनिफिट लेके चलू ना धंधे <laughs> का उसूल है पकड़े गए तो भाई प्रोविजन पहले चाहिए समझ में आया तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है हाँ सर इधर कोई क्वेश्चन था हाँ सर बिजनेस एक्सपेंडिचर बीस हजार से ज़्यादा का अलाउड नहीं है द मोमेंट आपने बिजनेस से ड्राइंग दिखाई विषय खत्म हो गया फिर आपके पास कैश है आप कुछ भी ले लो पर्सनल एसेट है वैसे भी बिजनेस में तो रिकॉर्ड हो नहीं रहा बरेबर है कि नहीं है प्लस फर्दर आप देखिएगा कई लोग तो क्या करते हैं तीस हजार का मोबाइल है वो तीस हज़ार कैश में नहीं देते हैं। दो एंट्री में तोड़ देते हैं क्योंकि आगे जाके आप फोर्टी ए में जैसे मैंने कहा आपको जो अभी क्यूरोसिटी जाग रही है वो कई आगे से कनेक्टेड है लॉ कहता है, है एक दिन में एक व्यक्ति को बीस हजार से ऊपर नहीं देना है वापस सुनिए एक दिन में एक व्यक्ति को बीस हजार से ऊपर नहीं देना है तो इसमें होता ऐसा है कि उसको दो दिन में डिवाइड कर लेते हैं अब आपने लॉ को ब्रेक ही नहीं किया समझ में आई बात तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम आगे समझेंगे एक दिन में ये चीज नहीं समझी जा सकती पर आपके सिलेबस में यह सब कुछ है कुछ आप इंटर लेवल पे सीख लोगे कुछ आपको फाइनल लेवल पे के लिए वेट करना पड़ेगा ऐसा नो चलो सी यू आफ्टर द ब्रेक हम लगभग लगभग चैप्टर वन के एंड पे आ गए हैं हम लगभग लगभग चैप्टर वन के एंड आ गए अब सिर्फ फ्यू चीजें बाकी है ये करके हम बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करने जा रहे हैं इज दैट डन सी यू आफ्टर द ब्रेक चलो हम्म कुछ नहीं होता टैक्स पे कर देते ना फिर विषय ही खत्म हो जाता कर सकते ना एक ही बार में नहीं समझेगा होता है ये वो भी तो ये असि है ना चलो जी जल्दी आ जाओ एवरीबॉडी जल्दी से हेलो यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक कुछ ऑनलाइन डाउट से वो सॉल्व कर दू अथर्व का पहला क्वेश्चन सर रिकॉर्डेड लेक्चर वो जो है ये कब तक के मिलेंगे प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन जब भी कोई लेक्चर रिकॉर्ड होता है ये पाँच से छः जी का होता है इसके बाद इसे कंप्रेस करना पड़ता है और बाद में ड्राइव पे अपलोड करना पड़ता है जनरली कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर तुरंत अपलोड नहीं हो सकता राइट हाई डेफिनेशन होते हैं तो इट रिक्वायर मिनिमम वन और टू डेज टू अपलोड द लेक्चर इसीलिए प्लीज़ बी डिसिप्लिन और अपने टाइम पे ही लेक्चर ले ले थोड़ा नींद को सेक्रीफाइस करें यस सर बुक कब तक के मिल जाएंगे जनरली डिस्पैच जब भी हो जाता है उसके सात दिन हम लोग कहते हैं वर्किंग डेज के तक के आपको मिल जाने चाहिए यस yes, ओके okay. और किसी का कोई डाउट है भाई हाँ जी सर अगर रेड के अंदर में कुछ नहीं मिला तो क्या होगा देखा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर रेड के अंदर में कुछ नहीं मिला तो क्या होगा सीए सीएमए फाइनल बट एक रफली अभी बता देता हूं रेड के अंदर में कुछ नहीं मिला तो मानहानि का केस सामने वाला डाल सकता है और कंपनसेशन डिमांड कर सकता है पर हम बहुत अर्ली है इस बात को समझने के लिए इसके फिर बहुत सारे एक्सेप्शन है किस किस केस में हो सकता है किस किस केस में नहीं हो सकता पढ़ना ही है आप इंटर में ही मत पढ़ो फाइनल भी है समझ में आ रहेगा फाइनल भी है इंटर में सब कुछ मत पढ़ो क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है जो तुम्हें पढ़ने बाकी है अच्छा सर।, सर सर सीरियल की नहीं मिली पॉसिबल ही नहीं है बेटा आपको जो मेल आया होगा उसके अंदर में है मेल को खोल के एक बार देखना होगा नीचे है है ना नहीं तो आप यहाँ तक के आके मैसेज ही नहीं कर सकते थे चलो जी और कुछ सर मेरे को जो आईसीआई का मॉड्यूल डिलीवर हुआ है वो ब्लैक एंड वाइट में है। वाह, मेरे पास भी जो है वो ब्लैक एंड वाइट में ही है तो ठीक है मतलब दैट्स ओके यस उसे क्या फर्क पड़ता है तेरे को अच्छा ऐसे इस साइज के तेरे को चार है सिर्फ टैक्स के तेरे को लगता है कि तू पढ़ पाएगा फाउंडेशन का अप्रोच जो तू लेके आया है ना वो इंटर में नहीं चलने वाला प्लीज अंडरस्टैंड दिस चलिए मालिक अब मैं कह सकता हूं वी हैव डन विथ इधर देखिए अनडिसक्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम फिर हमने देखिए नोट्स में 115 सौ पंद्रह डबल बी ई पढ़ा येस ऑन राइट क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे अभी तक के बुक नहीं लिए हैं इसीलिए क्या हुआ है मैं अभी तक के बुक में से कुछ भी रीड नहीं कराया हाउ मेनी पीपल हैव नॉट टेकन द बुक्स एट यस आप देख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल सिटिंग ओवर ओवरियर उनके पास बुक से नहीं है इसलिए अब तक मैं नोट्स में नहीं जा रहा हूँ अदरवाइज मेरे को नोट्स में जाना पड़ेगा चलो आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बुक से तो जिनके पास बुक्स नहीं है पी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया है अदरवाइज़ सभी लोगों का आज का होमवर्क दे रहा हूँ मैं अगर आप नोट्स देखोगे नोट्स में इधर पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन दिए पास्ट एग्जाम के क्लियर है राइट right? इसका क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री इसका क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा अब यार तुम इतना भी यार मगह वाली चीज मत करो कि पेज नंबर भी मैं ही बता दू क्वेश्चन सबसे एंड में होंगे बुक आपको पहली बताया है इसका क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री यस आप देखेंगे वो हर क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना है एक बार ओल्ड से और एक बार न्यू से तो इसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी इज दैट डन ओनली वन टू एंड थ्री इसी में आपके छह क्वेश्चन हो जाते होमवर्क के बराबर है तो ये आज आपके लिए होमवर्क है अदरवाइज एक बार देख लीजिए हमने पूरा कंटेंट खत्म कर दिया है मैं सिर्फ अभी बुक में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम पीपल डू नॉट हैव इट बट प्लीज मेक श्योर कल से आपके पास बुक हो कल से आपके पास बुक हो या नहीं हो मैं बुक से चालू पड़ जाऊंगा ठीक है एक मिनट जिनके पास नोट्स है अगर वो निकाल के देख सकते हैं तो देखिए सबसे पहले वी हैव डन हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स फिर हमने सेक्शन नोटिफिकेशन सर्कुलर प्रोविजो एंड रूल्स पढ़ा इज दैट डन हम आगे बढ़े लॉ किस तरीके से वर्क करता है हमने वो देखा हम आगे बढ़े इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी फिर हम आगे बढ़े टैक्स ड्यूटी क्या होता है टैक्स सरचार्ज और सेस क्या होता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बजट किस तरीके से वर्क करता है याद आ रहा है कि हमारा क्लास कुछ ऐसे ही गया था एवरीथिंग थिंग वट एवर वी हैव डन वो यहां पे है एज इट इज फिर सेक्शन वन शॉर्टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट इंडिया का डेफिनेशन बेसिस ऑफ चार्ज हम बेसिस ऑफ चार्ज से निकले हमने पहले पढ़ा पर्सन फिर पढ़ा असेसी फिर पढ़ा असेसमेंट प्रीवियस ईयर उसके एक्सेप्शन ग्रॉस टोटल इनकम टोटल इनकम डिडक्शन एग्जम्पन और इनकम यहाँ से हम रेट ऑफ टैक्स में घुसे थे याद है तुमको ओल्ड स्लैब रेट पढ़ा पूरा का पूरा पूरा का पूरा ओल्ड स्लैब पढ़ने के बाद ये देखो सेम तरीके के चार्ट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं और फिर मार्जिनल रिलीफ पढ़ा सब पढ़ने के बाद हम लोग ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में गए जो आज क्या है बेटा डिफॉल्ट टैक्स स्कीम पहले 115 एंड पढ़ा 115 एंड फिफ्टीन को पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़े फिर बी ए डी पढ़ा बी ए पढ़ा बी ए ए बी ए बी पढ़ा याद आ रहेगा अभी मैं हाईलाइट नहीं कराना क्योंकि बहुतों के पास बुक्स नहीं है डोंट वरी फिर अभी आके हम लोगों ने अनडिसक्लोज सोर्स ऑफ इनकम पढ़ा यस yes, इसका एकदम क्रग्स फॉर्म हमने जितना एग्जाम ओरिएंटेड है रजिस्टर में लिख लिया उसके आगे 115 एंड फिफ्टीन डबल बी ई पढ़ लिया चैप्टर इज ओवर चैप्टर इज ओवर यस एस पर आर नोट्स मॉड्यूल में एक और चीज कवर है अब अंडरस्टैंड करना मैं एक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं अंडरस्टैंड करना मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं मॉड्यूल में अब एक और चीज कवर है वो क्या है मैं आपको बताता हूं एक चैप्टर था एग्रीकल्चरल इनकम एक चैप्टर था कौन सा बेटा एग्रीकल्चरल इनकम ये हमेशा से एक अलग चैप्टर हुआ करता था राइट इस बार जब नए सिलेबस के मॉड्यूल बने उस चैप्टर को उठा के चैप्टर वन के साथ मर्ज कर दिया बराबर है तो जिनके पास नोट है प्लीज चेक करो चैप्टर नंबर थ्री आपका क्या है जिनके पास नोट है वो प्लीज चेक करो चैप्टर नंबर थ्री आपका क्या है एग्रीकल्चरल इनकम दिख रहा है बेटा आप सभी को यस और नो तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है अब वो चैप्टर नंबर वन का पार्ट बन गया है मॉड्यूल के हिसाब से किसके हिसाब से बेटा मॉड्यूल के हिसाब से तो मॉड्यूल के हिसाब से अब तक हमने चैप्टर नंबर वन वन कंप्लीट नहीं किया हमारे हिसाब से तो हमने चैप्टर नंबर वन कंप्लीट कर दिया विच कंप्राइज ऑफ फोर सेक्शन ए के ए ट्वेंटी सेक्शन वन टू थ्री एंड फोर समझ में आ रही बात तो अब मैं मूव कर रहा हूं एग्रीकल्चर इनकम की ओर और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे वो इसके एक आधे घंटे का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं उसके बाद कल जो मैंने होमवर्क दिए थे वो कंप्लीट कराते हैं समझ में आ गए सभी को यस yes? तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड वी आर डूइंग एग्रीकल्चरल इनकम ठीक है अब सर एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है और सर एग्रीकल्चरल इनकम कैसे वर्क करता है एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है एग्रीकल्चरल इनकम कैसे वर्क करता है मैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों से पूछना चाहूंगा सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों से पूछना चाहूंगा आप मुझे सोच समझ करके बताओ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है स्टेट गवर्नमेंट के पास है यस एग्रीकल्चर एंडर एंट्री नंबर फोर्टी टू द एंट्री नंबर फोर्टी टू द स्टेट लिस्ट याद आ रहा है मालिक आपको एग्रीकल्चर yes, तो पे टैक्स लगाने का पावर एंट्री नंबर स्टेट लिस्ट से आता हैल्चर yes, है क्या यह डिफाइंडल yes, तो की जरूरत होती है तो एग्रीकल्चर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू वन एस ऑन एंड एग्रीकल्चर इनकम क्या यह टैक्सेबल है या एग्जाम एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्ड अंडर सेक्शन टेन वन एग्रीकल इनकम सेक्शन टेन वन बट यू नो दैट इनकम टैक्स इनडायरेक्टली कलेक्ट्रीकल्चरल इनकम टैक्स इनडायरेक्टली कलेक्ट्रीकल्चरल इनकम अच्छा अब ध्यान से सुनना आपका जो चैप्टर नंबर वन है इसमें आपने लगभग लगभग एक दो तीन चार पाँच पाँच पूरे डबल सिंग डबल साइड पेजेस खाली छोड़ देने फॉर द पर्पज ऑफ क्लास के नोट्स के होमवर्क और फिर आपने चालू करना है सेपरेट चैप्टर एग्रीकल्चरल इनकम समझ में आ रही बात वापस से सुनिए वापस से सुनिए मान लीजिए यहां पे आपका अनडिस्क्लोज इनकम खत्म हुआ क्या हुआ यहां पे आपका अनडिस्क्लोज इनकम खत्म हुआ वन टू थ्री फोर फाइव मस्त ऐसा खाली छोड़ दो एग्रीकल्चरल इनकम सर ये खाली क्यों करवा रहे होमवर्क जो आपका चैप्टर नंबर वन में नोट्स के क्वेश्चन दिए अब तक तो हमने सिर्फ एग्जांपल सॉल्व किए क्लास के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना वो पूरे के पूरे के लिए हम खाली छोड़ रहे हैं और रोज इसके साथ साथ हम लोग क्या करते जाएंगे होमवर्क के साथ साथ इसे देखते जाएंगे क्लियर है पांच पेज इन टोटल टेन साइड्स खाली छोड़ दीजिए आगे बढ़िए गिव द हेडिंग एग्रीकल्चरल इनकम बराबर है गिव द हेडिंग एग्रीकल्चरल इनकम अब आप ये पूछेंगे कि सर ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है अब आप ये पूछेंगे कि सर ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है व द हेडिंग एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर नंबर टू एग्रीकल्चरल इनकम सर इसके कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम अंडर एंट्री नंबर फोर्टी सिक्स टू स्टेट लिस्ट एग्रीकल्चरल इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू वन एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम अंडर सेक्शन टेन बट इनकम टैक्स इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड सर ये तीसरी लाइन नहीं समझी पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद समझेगी पर्टिकुलर लाइन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद समझेगी आपको सिर्फ इस लाइन का हाफ वर्ड अभी समझना है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम सेक्शन टेन अच्छा तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं समझते हैं एग्रीकल्चरल इनकम मतलब क्या होता है हमें जब भी किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता है हम फिर से एग्रीकल्चर में चल जाते फिर से सेक्शन टू में चल जाते हमने कहा एग्रीकल्चरल इनकम टू वन ए में डिफाइंड है तो ठीक है सर कहा डिफाइंड है ये बताओ एग्रीकल्चरल इनकम टू वन ए के अंदर में डिफाइंड है जो कहता है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइवड फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस Farmland or income from nursery, whether basic operation is done or not. एग्रीकल्चरल इनकम अंडर सेक्शन टू वन ए क्या बोल रहे भाई साहब एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डन चलो बहुत कुछ है अब समझने के लिए पहला एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया आप अगर इस वर्ड को तोड़ना चाहें और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं तो आप मुझे जवाब दीजिएगा सपोज विजय हैज एन एग्रीकल्चरल लैंड इन मलेशिया वहां से कोई इनकम आ रही है विल दैट इनकम भी टैक्सेबल इन इंडिया और एग्जाम इन इंडिया आई रिपीट माई क्वेश्चन इफ माई एग्रीकल्चरल लैंड इन सिचुएटेड इन मलेशिया एंड विजय अर्न इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम मलेशिया वेदर दैट इनकम विल भी टैक्सेबल इन इंडिया और एग्जाम इन इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्जाम द एग्रीकल्चरल इनकम लैंड मस्ट भी सिचुएटेड इन इंडिया आर यू गेटिंग द पॉइंट बिकॉज डेफिनेशन क्लियरली उसी लैंड को रिकोगनाइज कर रहा है विच इज सिचुएटेड इन इंडिया आर यू गेटिंग द पॉइंट सो अगर मैं इस डेफिनेशन को तोड़ना चाहूं नोट्स बनाना चाहूं तो पहला एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम फॉरेन इज टैक्सेबल इन इंडिया ये अलग बात है कि मलेशिया में जो पे किया होगा हम उसका क्रेडिट ले लेंगे या इंडिया में जो पे करेंगे उसका मलेशिया में क्रेडिट ले लेंगे एज द केस में भी इधर ऑफ द वन प्लेस नॉट इन बोथ द प्लेस यस चलो अब मैं दूसरी बात करता हूं वापस से समझते हैं एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम को तोड़ना पड़ेगा एनी रेंट और एग्रीकल्चरल मान लो अब आपको थोड़ा सा और रियल लाइफ से मैं जोड़ता हूं आप अपने डैड से जब पूछेंगे या आप जब सिटी में जाते होंगे आप दो तरह के प्लॉट की एडवर्टीजमेंट देखते होंगे एन ए प्लॉट्स और ए प्लॉट्स

नहीं तो उसका परमिशन मिल ही नहीं सकता और अगर मान लो मिल भी गया तो बुलडोजर चल जाएगा बराबर बराबर है इस बार दंगे के के लिए नहीं, के लिए नहीं नॉन ऑफ लॉ होगा बरे बरे? अब आते हैं दूसरे बात ए जिसको कहा जाता है एग्रीकल्चर बराबर है एग्रीकल्चरल प्लॉट के ऊपर एक्टिविटी सिर्फ एग्रीकल्चरल की होनी चाहिए एक्टिविटी सिर्फ एग्रीकल्चर की होनी चाहिए उसके ऊपर आप फिर बांधका में अदर चीजें नहीं कर सकते समझ में आ रही बात अच्छा जी सर तो लैंड कौन सी लैंड होनी चाहिए एग्रीकल्चर दैट इज ए एंड नॉट ए सर एए पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की कर ही नहीं सकते सर फिर भी हमने कर ली तो वो इनकम जब एओ को पता चल जाएगा वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल तब वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल क्योंकि वो लैंड का एग्रीकल्चरल लैंड होना बहुत जरूरी इन ऑर्डर टू एग्जाम द इनकम इन ऑर्डर टू एग्जाम द इनकम यस और राइट फॉर एग्जांपल मैंने एक बंगलो बनाया बंगलो के सामने बहुत बड़ी स्पेस खाली है वहां पे हम लोगों ने सब्जी और अदर चीजें उगा जितनी हमको जरूरत थी उतनी हमने रख ली बची हुई पूरी पूरी की बेच दी इससे कोई इनकम जनरेट हुआ लॉजिकली ये टैक्सेबल होना चाहिए यस और अगर आप कैश में ले लो कैश में उड़ा दो तो किसी को पता नहीं चलेगा आपने पेड़ में कुछ उगाया भी है समझ में आ रही बात ये रियलिटी है अच्छा बढ़ते आगे एनी रेंट और रेवेन्यू तीसरे टाइम पढ़ रहा हूं एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया तो एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया में है इससे कोई रेंट और रेवेन्यू आया तो हम इसे क्या मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे ठीक है और डीप में समझना पड़ेगा ठीक है इसको मैं दो मिनट के लिए उठा के इधर रख रहा हूं ये दिख रहा है तुमको दूसरा इनकम फ्रॉम फार्म हाउस फार्मलैंड सर फार्म हाउस से कौन सी इनकम आती है प्यारी समझ गई फार्म हाउस से अगर कोई इनकम आ रही है दैट इनकम इज एन एग्रीकल्चरल इनकम पर सर वहां पे फार्मिंग तो ही नहीं, नहीं होगी आप समझे नहीं लॉ क्या कह रहा है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस इज एन एग्रीकल्चरल इनकम अब यहां पे इसका लिटरल मीनिंग पकड़ा जाता है ना कि अदर मीनिंग समझ अंडरस्टैंड करना आपने अपने दोस्तों को फार्म हाउस के दिन इससे आने वाला इनकम क्या एग्रीकल्चरल है क्या ये सो नो वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड पे मेहनत नहीं हो रही है <laughs> वहां, वहां जो मेहनत हो रही है वो एग्रीकल्चरल लैंड पे मेहनत नहीं हो रही है अगर को ऐसा पता चल गया कि आपकी इनकम इस तरह से जनरेट हो रही है कि आप सिर्फ फार्म हाउस किराए पे दे रहे हो वहां पे राइट उसका बर्थडे और अदर अदर चीजें करने के लिए वो इनकम आपकी एग्रीकल्चरल नहीं मानी जाएगी वो इनकम नॉन एग्रीकल्चरल हो जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगी यस yes, पर यह सारी बातें सीक्रेट रखी जाती होगी ना और कैश में लेके कुछ दिखाया ही नहीं जाता होगा ये रियालिटी है पर हाँ होना ये चाहिए तो कि फार्म हाउस यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज एग्जम एग्रीकल्चर बराबर है अच्छा इनकम फ्रॉम नर्सरी इज एन एग्रीकल्चरल इनकम नर्सरी से आने वाला इनकम एग्रीकल्चरल इनकम एक बार मैं सी ए फाइनल का बैच पढ़ा रहा था शायद एक लड़की थी वो अपने अलग धुन में होगी तो पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया इनकम फ्रॉम नर्सरी क्या पूछने का फाइनल की लड़की ने मेरे को सर इनकम फ्राम नर्सरी एग्रीकल्चर इनकम कैसे हो सकती है मैंने बोला क्यों क्या तकलीफ है बेटा सर मतलब बच्चों को एलकेजी यूकेजी पढ़ाना ये कैसे एग्रीकल्चर इनकम हुई मैंने कहा दीदी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दीदी रिस्पेक्ट दीदी कौन सी नर्सरी समझ रही है एलकेजी यूकेजी वाली नर्सरी समझ रही है जबकि ये कौन सी नर्सरी है प्लांट्स वाली याद आ रही क्या तो ये जो पेड़ उगा करके आप लोग आप लोग जब सड़क से जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पे पॉटरी रखी होती है पेड़ रखे होते हैं वो जो बेच रहे हैं पॉटरी चाहे वो उसको लगा अलग से पेड़ उगा के बेच रहे हो या गमलों के अंदर में बेच रहे हो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और इसके ऊपर टैक्स लगता नहीं चाहे अब इसमें बेसिक ऑपरेशन किया या नहीं अब ये वर्ड क्या है ये अभी हम सीखेंगे बराबर तो अब तक इस डेफिनेशन के बस दो वर्ड को तोड़ हमने तोड़ा पहला एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यस इसीलिए अगर फॉरेन से एग्रीकल्चर लैंड आ रही होगी तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी दूसरा फार्म हाउस यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस इज एक्समड यस इनकम फ्रॉम नर्सरी इज एक्सम क्लियर है चाहे अब उसके अंदर में आप कितने के भी पेड़ बेचो एग्जाम कितने वैल्यू के भी पेड़ बेचो वो है अब यहां पे तीसरा एक वर्ड था जो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कौन सा वर्ड था इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आने वाला इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम बनेगा अब ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशन वर्ड क्या है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस मैं इनकम टैक्स के पास गया मैंने इनकम टैक्स से पूछा हे इनकम टैक्स मुझे बता व्हाट इज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन उसने मुझे कहा ब्रो आई डोंट नो मैंने कहा क्या अरे तुम्हारे ही एक्ट में लिखा है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन आने वाला इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगा चिल ब्रो आई डोंट नो लॉ मेकर कई बार ऐसा लॉ लिख देते जिसको वो खुद ही डिफाइन करना भूल जाते जिसके बाद कई इश्यू अराइज हो जाते हैं कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी अब व्हाट इज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ये तो उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कोई भी मैटर जब डिफाइन नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये इंटरप्रिट होने के लिए कहाँ जाता कोर्ट ऑफ लॉ तो यहाँ पे एक केस है यहाँ पे एक केस है राजा बिनोय सहाय केस एक केस है राजा बिनोय सहाय यस जिसके अंदर में कोर्ट ने गाइडलाइन इशू करी कोर्ट ने क्या किया गाइडलाइन इशू करी तो एक केस है राजा बिनोय सहाय केस इस राजा विनोय साहे केस में उन्होंने कुछ डिफाइन किया कुछ गाइडलाइन दी कि हम किसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मान सकते हैं उन्होंने क्या किया कुछ गाइडलाइन दी कि हम किसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मान सकते हैं इफ द असेसी इज एंगेज इन ओनली बेसिक ऑपरेशन इसका नेचर क्या पकड़ा जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम वो कहते हैं अगर एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में रहा है तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर मानो अगर एसएससी क्या रहा है बोलो सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में रहा है तो उसकी इनकम क्या मानो एग्रीकल्चर इनकम मानो अब आप यह पूछेंगे बेसिक ऑपरेशन क्या है फिर कोर्ट कहता है अगर असेसी एंगेज्ड एंगेज है ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में काम एंगेज है ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में तो उसकी इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो उसकी इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी सर ईमानदारी से बता रहा कुछ नहीं समझ रहा टैक्स रेट के टाइम पे भी आपके साथ यही हुआ था है ना इनकम टैक्स में सब्र ज्यादा रखना पड़ता है सब्र रखो सब डिस्कस होगा अब आपके मन में दूसरा सवाल उठा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है फिर कोर्ट कहता है अगर एस एंगेज्ड एंगेज है इन बोथ द ऑपरेशन तो इसमें कंपोजिट इनकम जनरेट होगी माँ कसम क्या कर रहा कोर्ट खुद को मालूम। वाह सर हम कहां हैं डेफिनेशन पे सर हम कहा हैं डेफिनेशन पे एक बार डेफिनेशन पे वापस जाता हूं मैं घूम फिर के ठीक है डेफिनेशन पे गया एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन को हम लोग तोड़ रहे हैं इसमें एक नया वर्ड मिला एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मैं इनकम टैक्स में ढूंढने निकला व्हाट इज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मैं कहा ढूंढने निकला इनकम टैक्स में व्हाट इज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होता क्या है तो मेरे को एक्ट में डिफाइन ही नहीं किया गया फिर मैं किसी कोर्ट के केस के पास गया मैंने बोला भाई तू बता दे क्या है वो मुझे कहता है कि दोस्त अगर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में है तो हम इस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे अगर सिर्फ ऑपरेशन में है तो हम इसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और अगर वो दोनों में है तो हम इसमें कंपोजिट इनकम निकालेंगे सर, मुझे इसमें का इत्तु सा भी समझ में नहीं आया क्या है चलिए समझते हैं बेसिक ऑपरेशन कोर्ट ने इस गाइडलाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा इफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर आर इन्वॉल्व ऑन एग्रीकल्चरल लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन अब इस वर्ड को क्लियरली समझिए। इस समझिएूमन स्किल एंड लेबर आर इन्वॉल्व ऑन द लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन पेड़ उगने से पहले के सारी एक्टिविटी को हम कहते हैं बेसिक ऑपरेशन तो अगर एस एसी बेसिक ऑपरेशन में एंगेज था तो पेड़ जब उग जाएगा उसको काट के जब बेचोगे ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम बनेगी तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा विजय ने एक लैंड लिया टाइलिंग ऑफ सॉइल किया पानी मारा उसके अंदर में बीज डाल दिए उसके बाद में मस्त तो उसमें फर्टिलाइजर मारा फर्टिलाइजर मारने के बाद मस्त तो उसको रख दिया फिर पेड़ आया अंडरस्टैंड वेदर विजय हैज डन ऑल एक्टिविटी प्रायर टू जर्मिनेशन ये इनकम अब पेड़ पूरा उग गया हमने काटा पेड़ को और बेच दिया फ्रूट्स उसके बेच दिए इज द इनकम एग्रीकल्चर इनकम यस तो बताइए हमने आम के पेड़ लगाए थे आम आए, आम आए बेचे उस आम के पेड़ का टेक केयर भी हम ही कर रहे हैं क्या आम बेच के जो इनकम आएगी एग्रीकल्चर इनकम बनेगी यस दैट इज कॉल्ड एज बेसिक ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एज बेसिक ऑपरेशन सो वॉट इज बेसिक ऑपरेशन ऑल ह्यूमन स्किल एंड लेबर अप ऑन लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन तो जर्मिनेशन होने से पहले की जितनी भी चीजें हैं अगर उसमें आप इन्वॉल्व रहे हो तो आप हुए बेसिक ऑपरेशन वाले आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी क्लियर है अब आते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑल एक्टिविटी डन टू रेंडर द प्रोडक्ट फिट फॉर प्रोड्यूस इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब क्या एक बार यू you नो know, सारा प्रोडक्ट बन गया आप बेसिक में नहीं थे सिर्फ सब्सिक्वेंट में थे बात समझिएगा इसने पेड़ उगाया मेरे को दे दिया फ्रूट्स मैंने फ्रूट खरीद के फ्रूट बेचा मेरी इनकम एग्रीकल्चर होनी चाहिए क्या मैं तो सिर्फ उसका डीलर हुआ ना मैं फार्मर हुआ क्या अब आप सोच के देखो किराना दुकान वाला भी तो ये बोल सकता था मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ डील कर रहा हूँ उसकी इनकम एग्जाम होनी चाहिए क्या एग्जाम किसकी होनी चाहिए फार्मर की तो जो व्यक्ति सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में है तो हमने क्या लिया हम है आईटीसी, हमने गेहूं लिया गेहूं लेके उसे पीस दिया आशीर्वाद आटा बनाया हमारी इनकम सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हमारी इनकम तो आईटीसी की इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आईटीसी ने तंबाकू उगाया बेच दिया आईटीसी इज इंडियन टंबाकू कंपनी शेयर यू मस्ट हैव आईटीसी ने तंबाकू उगाया काटा बेच दिया कुछ दिनों पहले एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा था टबैको बेचा तो क्या अब मैं सवाल पूछता हूं टबैको उगाया काटा बेच दिया क्योंकि आईटीसी टी सी का एंगेज था बेसिक ऑपरेशन बराबर है आईटीसी ने तंबाकू खरीदा सिगरेट बनाया बेचा कौन सी इनकम पर प्रोडक्ट तो उसमें एग्रीकल्चर वाला है ऑपरेशन डिफाइन करेगा एग्रीकल्चर है या नहीं समझ में आया अब तीसरा आईटीसी ने उगाया सिगरेट बनाया इसमें दोनों एक्टिविटी आ गई एग्रीकल्चर भी और नॉन एग्रीकल्चर भी इनकम

गुलाब खरीदा क्रश करके बेचा ओनली पीजीबीपी समझ में आया क्या? नो अडानी ग्रुप फॉर्चून ऑयल बराबर है सोयाबीन उगाया बेचा एग्रीकल्चर सोयाबीन खरीदा फॉर्चून ऑयल बनाया बेचा पीजीबीपी सोयाबीन उगा के कर, क्रश करके तेल बना के बेचा कंपोजिट इनकम समझ में आया क्या? हम गांजे हिरोइन का धंधा करते हैं किसका बेटा गांजे हेरोइन डेढ़ सौ रुपया लेगा सुनना। गांजा उगाया गांजा उगाया अफीम उगाया काटा बेचा इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल हमने इसमें नहीं पढ़ना गांजा लीगल है कि नहीं है हमारा काम है ही नहीं बात समझ रही है इनकम टैक्स हैज़ नथिंग टू डू लीगल और इलीगल, टी ए कुरेशी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट धंधे पे ध्यान देने का, गांजा अफीम हीरोइन का उगाया उगा के बेचा एग्रीकल्चर लीगल इलीगल सब पुलिस कोर्ट सीआरपीसी देखते बैठेगा डीके का, का काम में डीटी का नहीं समझ में आया गांजा उगाया उससे एल एच डी म्याओ उसके बाद में चरस एटसेट्रा 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 जितने मैंने पिक्चरों में नाम सुने हैं वो सब बनाए खरीदा बनाया आपको पता है कल पुणे में तेरह सौ करोड़ का ड्रग पकड़ा गया तेरह सॉरी तीन हजार करोड़ तीन हजार करोड़ का ड्रग ड्रग्स पकड़े गए म्याओ म्याओ करके एक ड्रग आता है सर म्यामियाओं तो वो बिल्ली को क्या बोलते हैं हाँ <laughs> म्यूमियाओं ड्रग पकड़ा गया तीन हजार करोड़ अब सोचो एक केमिकल फैक्ट्री इसे बना रही थी तो केमिकल फैक्ट्री ने रॉ मटेरियल लिया इससे ड्रग बनाया नॉन एग्रीकल्चर उगाया बनाया सम इनकम एग्रीकल्चर में जाएगा सम इनकम नॉन एग्रीकल्चर में जाएगा समझ में आया हाँ या ना इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल तो आपके मन के जो मेन दो धंधे थे वो समझ में आ गए yeah. बराबर है राइट right? wow. बराबर है yeah. समझना जो नहीं साला yeah. पुष्पा ने लाल चंदन के पेड़ उगाए कट किए बेचे yeah. अगर यही मैं सैंडलवुड बोल देता तो चंदन के पेड़ तो भी इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल तो ये मेरे से बिल्कुल डिस्कस मत करना कि सर चंदन के पेड़ सागवान के पेड़ ये तो अलाउड ही नहीं है ना हमको उससे कोई लेन देन नहीं हमारे लिए वो प्रोडक्ट है ठीक है सागवान के पेड़ चंदन के पेड़ लाल चंदन के पेड़ उगाए काटे बेचे एग्रीकल्चर खरीद के बेचा नॉन एग्रीकल्चर उगा के कट करके बेचा समझ में आया राइट right? ओके okay. तो ये हुआ बेसिक सब्सिक्वेंट एंड बोथ ऑपरेशन अब इसके बेसिस पे देर आर मैनी क्वेश्चन विच यू नीड टू आंसर देर आर मेनी क्वेश्चन विच यू नीड टू आंसर कि क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम होगी या ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी मैं आपके सामने विभिन्न केस लॉ रखूँगा और आपको इसमें जवाब देना है ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं वही हमारा हर बार का डिस्कशन दो काबिल लोगों को खड़ा किया जाएगा उन्होंने डिस्कस कराया जाएगा एक जो बोल रहा होगा ये एग्रीकल्चर है और एक जो बोल रहा होगा नॉन एग्रीकल्चर है क्या आप रेडी है इस संवाद के लिए ठीक है सभी लोग और मैं क्या बोल रहा हूं अगर आप वो शर्माते हो थोड़े से नहीं यार मैं कैसे बोलूंगा ये डर जीवन में कभी खत्म नहीं होगा अगर तुम हिम्मत नहीं करोगे जिस कोर्स के अंदर में तुम जा रहे हो ना उसमें वोकल होना जरूरी है और अगर तुम्हें भीड़ से डर लगता है इससे डर लगता है उससे डर लगता है एक बार खड़े रहो मैक्स टू मैक्स क्या होगा लोग हंसेंगे इससे ज्यादा कुछ होगा क्या हंसेंगे पर आपका जो कॉन्फिडेंस है इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर के बोलने का ये दुनिया में सबसे ऊपर का कॉन्फिडेंस है इसे डेवलप करो इट्स अ आर्ट कल चल के एक हजार लोगों के सामने अगर बैलेंस शीट बोलना है एक्सप्लेन करना है या कोई चीज बोलनी है तो ये सही समय है आज से ये स्किल डेवलप करने का खड़े हो ना अरे मैक्स टू तो मैक्स क्या होगा लोग देखेंगे बोलेंगे हंसेंगे ऐसा इस हिसाब से तो हमने तो यही करना चाहिए एक हजार आंखे टेक्निकली दो हजार आंखें हमारे को रोज देख रही है मैं घूम भी कैसा रहा उस पर भी ना ऑब्जर्वेशन कर रहे रोज ऊपर से नीचे तक स्कैनर हो। क्या पेन क्या आया है कैसा क्या कर रहा है समझ में आ रही है बात बट आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको आपके कंटेंट से फर्क पड़ना चाहिए समझ में आ रहा है अब दो ही एस्पेक्ट है इसके या तो जीतोगे या तो हारोगे पॉसिबल है ना जीत गए तो कॉन्फिडेंस सीधा वन थाउजेंड एक्सपे हार गए तो एक्सपीरियंस मिलेगा कि अगली बार इस चीज को पुट थ्रू कैसे करना है तो मैं चाहता हूं क्लास का हर बच्चा इट इज डजेंट मैटर तुम अच्छे से बोल पाते हो यानी अपना पॉइंट रखने की हिम्मत रखो जिस लैंग्वेज में रखना चाहते हो समझ में आ रही बात मैं खड़ा हूं आपके पे केस आपका आगे करने के लिए ठीक है अब अब सुनिए आपका जो पेज है जैसे हम अकाउंट्स डिवाइड करते हैं ना दो पार्ट में वैसे डिवाइड करो एक जगह लिखो इज एन एग्रीकल्चर इनकम एक जगह लिखो नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नॉन-एग्रीकल्चरल इनकम और इस टेबल में आप कोई भी चीज लिखेंगे तब जब मैं बोलूंगा ठीक है लगभग लगभग फुल पेज यूज हो जाएगा इतने एग्जाम्पल है हमारे पास समझने के लिए कि एग्रीकल्चर है या नहीं ये जितने एग्जाम्पल है ये सीए फाइनल सीएमए फाइनल सीए इंटर सीएमए इंटर सी एस एग्जीक्यूटिव सब में पूछे हुए सब कुछ आपके सामने एक साथ रख दे रहा हूं ठीक है अर यू रेडी यू रेडी चलिए केस नंबर वन समझिए केस नंबर वन समझिए तो बात उन दिनों की है केस वन बात उन दिनों की है ये ऐसा नेशनल हाईवे था नेशनल हाईवे दिख रहा है इसके बाजू ये एक लैंड थी हियर इन आफ्टर में जो भी बात करूंगा सब एग्रीकल्चर लैंड की करूंगा तो एग्रीकल्चर लैंड की इस एग्रीकल्चर लैंड में फूल उगे हुए थे बहुत सारे फूल दिख रहे हैं इतने में गाड़ी आके रुकी गाड़ी से उतरे करण जौहर गाड़ी से कौन उतरे करणजोल करणजोल तो ओ वाओ ये कितना अच्छा चीज है मैं यहाँ पे मेरी पिक्चर बनाने वाला हूँ कम ऑन जी जिसकी भी ऐलान है मुझे मेरा एक पिक्चर बनाना है कभी कुछ नहीं होता है और इस खेत में ही मुझे बताना है कभी कुछ नहीं होता है काका को बुलाए जो फार्मर थे हमारे उनको बुलाए उनको बोले हाय आई जस्ट नीड दिस पर्टिकुलर लैंड फॉर माय फिल्म शूटिंग काका आपने फार्मर इधर कौन सा पिक्चर शूट होंगे खेत में नो <laughs> प्लीज no, 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 वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं मुझे what, what मुझे यू रिक्वायर पे एक छोटा सा झोपड़ी बनाना है कभी कुछ नहीं होता है ऐसा पिक्चर बनाना है हाँ वो सब ठीक है रेंट लगेगा उसने व्हाट एवर इज द रेंट दिया रेंट लेकर के वो जाहिर आता है इतने में वाक्य बोलते हो काका लो 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 जल्दी टैक्स दो रेंट फ्रॉम अन एग्रीकल्चरल लँड आहे टॅक्स दो काका बोलते बिडी झाली का बाई या तुम्हाला दाख अरे वाडे या तुम्हाला इन्कम टॅक्स दाखवतो इन्कम टॅक्स मध्ये अरे इन्कम टॅक्स दाखवतो हे बघ बाई इकडे येनी रेंट नी रेवेन्यू कोई भी रेंट कोई भी रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर लैंड चाहिए लोग सॉफ्टवेयर में एप में है आप सभी को बता दू विंडोज और फुल स्टॉप का बटन दबाओगे तो आपको इमोजीज आते हैं जस्ट इनकेस यू नीड टू सेंड ऐसा कोई भी इमोजी मत भेजना जो आपको हाथों को दर्शाता हो बहुत समझ रहा है तुम लोग नहीं रीडिंग इन बिटवीन द वर्ड्स एंड फिंगर्स हाँ सुनो <laughs> हाँ जी तो मेरे हिसाब से तो ये एग्रीकल्चर इनकम है बताओ इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम हाउ मेनी पीपल से एग्रीकल्चर यस ये एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर है बहुत बढ़िया हाउ मेनी से नॉट एन एग्रीकल्चर और जिनने हाथ नहीं उठाए उनके कहा बिजी है नॉट एन एग्रीकल्चर ठीक है सर आप सिलेक्ट हो जाए बताइए बोल भाई एक्सप्लेन कर ये है ना इसने एक्सप्लेन हाँ चलो तो हमारे पास दो काबिल दोस्त है जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हाँ सर पॉइंट पॉइंट टू बी नोटेड एन सेक्शन 2 वन ए क्लियरली स्पीक्स एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड इज एन एग्रीकल्चरल इनकम तू कुछ उगा के थोड़ी बेचा पर रेंट तो रेंट होता है ना उसका क्या संबंध एग्रीकल्चरल लैंड से घर से बात नहीं हूं एग्रीकल्चरल लैंड से जो इनकम है वो तो एग्रीकल्चर इनकम हुई ना सेक्शन टू वन ए पॉइंट टू बी नोटेड हेलो टू वन ए क्लियरली स्पीक एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड इज एग्रीकल्चरल इनकम ये तो रेंट हुआ हम खेत में क्यों गए थे शूटिंग अरे हम रेंट में क्यों गए थे शूटिंग उसके अगेंस्ट में क्या दिया रेंट रेंट इज फॉर एन एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चर इनकम कहाँ गलत बोल रहा है बेचारा सही तो बोल रहा है ठीक है और कोई इसके जगह पे खड़ा होना चाहना है हाँ हाँ कौन हाँ बोल एक्सप्लेन कर उधर देख कॉन्फिडेंस के साथ वो जो रेंट दे रहा है ना वो एग्रीकल्चर का नहीं है एग्रीकल्चर का, का, का रेंट अलग होता है हाँ जैसे हाँ एक मिनट हाँ जैसे बटाई पे जैसे दिया जाता है ना वो खुद एग्रीकल्चर के लिए लैंड खरीद रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम की रेंट की बात चल रही है यहां आप जो रेंट पे ले रहे हो वो शूटिंग के लिए ले, ले रहे हो पर्पज एग्रीकल्चर नहीं है भले ही लैंड एग्रीकल्चर है पर्पज भी तो होना चाहिए ना एग्रीकल्चर ऐसा ये बोल रहा है पर सर लॉ लॉ तो ये बोल रहा है ना रेंट फ्रॉम एन पहले वर्ड में पर्पज की बात किधर की गई है कानून सर कानून हाँ कानून हम्म ऐसा वो बोल रहे मैं इधर कुछ नहीं मैं सिर्फ दो लोगों का रोल प्ले कर रहा हूं हाँ ये कोर्ट का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं टॉपिक बड़ा सिंपल है इज इट एन एग्रीकल्चर इफ यस देन वाई नो देन वाई और कोई इसके भी यहां पर खड़ा होना चाहेगा बोल भाई साल को जवाब उधर हम्म लैंड इज एन एग्रीकल्चर लैंड मैं पहले ही बोल चुका हूं हाँ, सर मूवी का जो शूटिंग हो रही है एग्रीकल्चर पर्पज नहीं है अगेन द सेम थिंग ये काल लिखा है पर्पज क्या होना अरे वो थर्ड पॉइंट का मैटर है फर्स्ट पॉइंट पे किधर डाल रहे हैं आप सेपरेट वर्ड पहला पॉइंट किधर है वो वैसे जो मैं सवाल आपको पूछ रहा हूँ सी ए फाइनल टू टाइम्स टू मार्क्स सी ए इंटर लास्ट टू लास्ट एग्जाम टू मार्क्स इनकम जनरेटेड फ्रॉम शूटिंग ऑफ फिल्म ऑन एन एग्रीकल्चर लैंड वॉट इज द नेचर ऑफ दैट इनकम इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम और नॉट एग्रीकल्चर इनकम द आंसर इज इट इज एन इट इज नॉट एन तुम्हारा दिल क्या गवाही देता है इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम नो अंडरस्टैंड सिर्फ लैंड एग्रीकल्चर होने से कुछ नहीं होता परपज भी तो होना एग्रीकल्चर अब इसमें क्लैरिटी लेते हैं जो इस बात ने कही आप दूसरे को रेंट पे दे रहे हो जो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा है इसे हम मराठी में कहते बटाई पे देना वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी सो आई से रेंट रेंट मतलब मैंने किसी को दिया और वो उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है इसका रेंट ज एन एग्रीकल्चरल इनकम बट मैंने रेंट किसी भी और पर्पज के लिए दे दिया मान लो वहां पर शूटिंग की जा रही है वहां पर रील बनाई जा रही है अंडरस्टैंड इनकम जनरेट होगी क्योंकि yes or no? ये सो नो ये इनकम एग्रीकल्चर नहीं बनती ये नॉन एग्रीकल्चर होगी ये सो नो तो नॉन एग्रीकल्चर में लिखी है हमने इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम शूट टिंग ऑफ फिल्म ऑन एग्री लैंड मजा आया पहले केस में हम्म चलिए आप सभी के सामने केस नंबर टू यह था मेरा एग्रीकल्चरल लैंड प्लीज ध्यान से देखिए मुझे नए लोग चाहिए इस पे झगड़ा करने के लिए इसमें हमारे पास कुछ गाय है कुछ बकरियां हैं कुछ मुर्गियां हैं गाय बकरी मुर्गी दिख रही है अजूम दिस इज काउ अजूम दिस इज गोट अजूम दिस इज चिकन बराबर है कि नहीं अजूम कर लो मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है ड्राइंग तो बिल्कुल ही घटिया है यस yes? पर तुमको ये गाय नहीं दिख रही क्या दिख रहा फिर वो चलो धंधे पे ध्यान दो तो मैंने गाय से दूध निकाला बेचा गाय का गो बर बेचा गाय का गो मूत्र बेचा यस yes? शीप मिल्क बेचा शीप वूल बेचा मैंने चिकन बेचा बराबर है लैंड इज एन एग्रीकल्चरल लैंड इनकम इज एन एग्रीकल्चरल इनकम इज सेलिंग ऑफ मिल्क चीज़ पनीर वूल गौमूत्र गोबर चिकन इज एन एग्रीकल्चरल इनकम नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर नॉट एग्रीकल्चर हाँ नॉट एग्रीकल्चर एनी वन एल्स नॉट एग्रीकल्चर एनी वन नॉन एग्रीकल्चर हाथ उठाओ कौन है केस लड़ने को रेडी एक हाँ उधर से दो तीन हाँ चार ये सब नॉन एग्रीकल्चर बाकी सब बोल रहे एग्रीकल्चर है बराबर ना बाकी सब बोल रहे हैं एग्रीकल्चर है हम्म तो भाई तूट जा उधर से हाँ कोई जवाब देना चाहेंगे वॉल्ट्री एनी वन वो बोल रहा है एग्रीकल्चर राइट वो बोल रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वाला कौन है तू उठ जाओ भाई दे जाओ लाइव स्टॉक सारे एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक सारे एग्रीकल्चर में कवर हो रहे हैं ऐसा ये कह रहा है पब्लिक यही केस हार गए के तुम बैठो तुम्हारा बीएमडब्ल्यू है बेसिक में वान दे हाँ पुल भाई पड़ जाओ आपको ये बोलना ही एग्रीकल्चर है वो वोट वोड़, के खड़ा हो गया नॉन एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चरल है हाँ तो बोलो नहीं क्या बोला सर जितने भी एनिमल्स को हम यूज कर रहे हैं वो तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं एनिमल हजबेंड्री इज अ सेपरेट बिजनेस सेलिंग ऑफ मिल्क इज अ सेपरेट बिजनेस पर वो उस ऑपरेशन से ही तो आ रहा है प्रोड्यूस कहां कर रहे अपन कुछ जमीन पे तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन लैंड बोला था ह्यूमन स्किल एंड लेबर ऑन काउ नहीं एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर इज सेलिंग ऑफ मिल्क इज एंड एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर एंड द आंसर इज अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया बताइए अमूल की इनकम टैक्सेबली एक्समड होनी चाहिए हाँ, इतनी बड़ी कंपनी देखी तुम छोड़ोगे क्या <laughs> अब इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल महानंदा गोवर्धन यस मिल्क बेचते हैं घी बेचते हैं पनीर बेचते हैं एटसेट्रा इनकी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए एक्समट होनी चाहिए ऑब्वियसली टैक्सेबल वाई दीज आर नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अंडरस्टैंड देर मज बी ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन लैंड, ये सो नो तो मैंने उठाया इधर से मछलियाँ बेची सेलिंग ऑफ फिश नॉन एग्रीकल्चर पर अब इसमें दो बातें एक फिशी कल्चर होता है हॉरिकल्चर होता है याद आ रहा है आपको जहां पे आप मछलियों को डेवलप ही करते हो उसको एग्रीकल्चर माना गया है क्योंकि आप उस तरीके की ब्रीडिंग कर रहे हो यस yes? तो जैसे अगर आप बोलेंगे कि भैया आप हनी बीज रख रहे हो राइट right? उसके बाद में आप क्रोकोडाइल फार्मिंग कर रहे हो उसके बाद में आप स्कॉर्पियंस फार्मिंग कर रहे हो स्नेक फार्मिंग कर रहे हो फिश फार्मिंग कर रहे हो ये टाइप है फार्मिंग के यस yes? यहाँ पे इनको आ, सेव किया जाता है जैसे सिल्क वार्म हो गया इसका फार्मिंग होता है तो ये एग्रीकल्चर है पर प्योरली आप समुद्र में गए मछलियाँ पकड़ी और उसको बेच दिया दैट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर अब लॉजिकली ये एओ का काम है चेक करना कि सच में ये उसने उगाया है या कहीं से पकड़ के लाया है ये उसका टास्क रहेगा सब पता करना कि भैया ऐसा है क्या सर वो कैसे पता करेगा ऑब्वियसली बिल देखेगा अगर वो मछली उगाना चाहता है तो भैया उसने रॉ मटेरियल अदर चीजें परचेज किए है क्या इक्विपमेंट परचेस किए है क्या तो वही सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर ये डिसीजन लेता है बट मोटे मोटे तौर पर नॉन एग्रीकल्चर में सेलिंग ऑफ मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स एग्स poultry farming not an agricultural income but fish crocodile farming etc is an agricultural income selling of fish ऑब्लिक अदर मरीन आइटम्स नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम सो लेट से आपने ऑक्टोपस पकड़ के बेच दिया इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम नो ऑक्टोपस फार्मिंग करी एग्रीकल्चर अब ये एओ का टास्क है वो डिटरमाइन करते बेटे कैसा होगा सर क्रोकोडाइल और स्नेक की फार्मिंग भी होती है? कैसी बात है कर रहे है? होती है ना भाई हाँ जी अंडे से मुर्गी बना के बेचा तो कितना पेशेंस रखना एज ए टीचर मैंने ये बताओ अच्छा वो तुमने अकाउंट्स में ये सवाल नहीं पूछा बट <laughs> आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि हमने पहले अंडे रखे और उसके बाद जो चिकन चाहे उसको बेच दिया तो उसका क्या होगा लॉजिकली दैट्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम राइट दैट्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम बट हाँ आपका काम ही यही है कि आप उसको सेव करते हो अब इसमें बहुत थिन लाइन डिफरेंस है मतलब आप बात समझ रहे हो एक आपका एक्टिविटी यही है कि आप उसको पूरा यू you नो know, सब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो कि वो उगे और बाद में आप चिकन बेचो यस yes, पहला ये फिर फार्मिंग का नेचर हो सकता है अब ये एओ को एक्सप्लेन करने वाला है फिर दूसरा आपने चिकन खरीद के चिकन भेजा तो आप कितनी एक्टिविटी में हो उस बेसिस पे एओ बाइफर्केट करेगा ये एग्रीकल्चर है ये एग्रीकल्चर नहीं है यस बट ए क्लियर लाइन अगर आप फार्मिंग में हो तो आपको ये एग्रीकल्चर आना चाहिए अच्छा जी सर अनादर केस आप सभी के सामने आर यू रेडी केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री जी था। एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा धीरे बोलिए वापस बोलिए एग्रीकल्चर इनकम केस नंबर हाँ जी सर अंडरस्टैंड दो पार्ट में हमें इसको बहुत क्लियरली एक आपका काम ही है सिर्फ काउ ब्रीडिंग देन देर इज नो एक्टिविटी ऑफ सेलिंग द मिल्क उस केस में प्योरली एग्रीकल्चर पे चल जाएंगे आप तो वही मैं बोल रहा हूँ ना फिर ऐसे केस में एओ क्या करेगा एक्टिविटी को अलग अलग क्लासीफाई करेगा तो वो उसको बाइफर्केट कर देगा अपोर्शन कर देगा उसकी इनकम को कि भैया ब्रीड करके गाय बेच दी इस एक्टिविटी से आने वाली इनकम को वो एग्रीकल्चर में क्लासिफाई करेगा तो जो सेलिंग ऑफ मिल्क है उस पर्टिकुलर इनकम को वो क्या करेगा नॉन एग्रीकल्चर में डाल देगा सो इट इज द एओ हु विल हुईफर्केट दिस इनटू एग्रीकल्चर क्योंकि इन सब एक्टिविटी में ना मल्टीपल चीजें होंगी क्योंकि ब्रीडिंग भी होगी एज वेल एज सेलिंग भी होगी तो एओ क्या करेगा फिर उसको बाइफरकेट करेगा केस थ्री आप सभी लोगों के सामने आर यू रेडी देखो एक कंपनी है कंपनी एंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में बराबर इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया इस कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर है क्या पहला सवाल बाद में एक कंपनी ने यही प्रॉफिट डिविडेंड को नाम पे शेयर होल्डर को दे दिया शेयर होल्डर बोलता है मेरी भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम हुई अब मैंने आपसे दो सवाल पूछे इस क्वेश्चन में पहला सवाल कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज है क्या कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम हुई क्या आप कई कंपनीज देखेंगे एग्रो प्रोडक्ट्स बराबर है एग्रो प्रोडक्ट्स इनफैक्ट अगर आप पार्ले का पूरा नाम देखें तो पार्ले एग्रो प्रोडक्ट्स लिखता है पर वो एक्चुअली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता नहीं है समझ में आ रही बात अब एग्रो जो कंपनी है एग्रो एग्रीकल्चर वाली जितनी भी कंपनी है इनकी इनकम कौन सी इनकम बनती है फिर जब ये डिविडेंड बोल के शेयर होल्डर को देते या इंटरेस्ट बोल के किसी व्यक्ति को देते तो टेक्निकली ये तो उसी प्रॉफिट से दे रहे तो उनकी इनकम भी तो एग्रीकल्चर इनकम हुई फिर शेयर yes. होल्डर की इनकम इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम ऑब्वियसली एनी इसको एग्रीकल्चर नहीं बोल सकता कंपनी इनकम yes. ये एग्रीकल्चर इनकम है यस सो नॉन एग्रीकल्चर में डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेजड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ब डी डन चलिए केस चार वाह भाई एक व्यक्ति था मस्त खेत में गया बोले भाई तेरा खेती करेगा फावड़ा लेके गया फावड़ा दिख रहा है फावड़ा लेके गया खेती करने के लिए जैसे फावड़ा मारा अंदर से निकला कोल ही फाइंड आउट अ कोल माइन माइनिंग किया कोल बेचा वो बोलता है लैंड इज एन एग्रीकल्चरल लैंड human skill and labor upon land. prior to germination, my income is an agricultural income. so is income generated by coal, india limited, western coal fields limited, kgf, gold mine, diamond mines, copper mines, coal, lignite, iron ore, aluminum, whether the income is an agricultural income. अपॉन लैंड सर कुछ उग नहीं रहा लॉ ही तो यही था ना प्रायर टू जर्मिनेशन जर्मिनेशन से पहले की एक्टिविटी लॉ बुलाई तो यही था अब क्या तकलीफ है आपको तो कोल इंडिया लिमिटेड की इनकम को तो फिर एग्जाम होना है नहीं क्यों बोल रहे हो मिनट लॉ क्या कह रहा था यू वर्सेज मी लॉ क्या कह रहा था ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन एम आई ऑल कंडीशन यस लैंड इज एन एग्रीकल्चर लैंड ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड पर सर वो कुछ ऊग तोड़ रहा है हमने तो डेफिनेशन में लिखा ही नहीं है ना कुछ उगाना है अभी हर चीज तुम मेहनत थोड़ी नहीं करते हो उगा के लिए हाँ। पर आपने आविष्कार करने से पहले ये बताओ पढ़ा किधर नहीं पर सर ऐसा मेरा कॉमन सेंस गवाही नहीं दे रहा मतलब यार केजीएफ का इनकम कैसे हो सकता है? जो गोल्ड खरीद के गोल्ड बेच रहा है उसकी इनकम तो टैक्सेबल है ये तो पक्की बात है ना वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में है। जो गोल्ड माइन कर रहा है और बेच रहा है मेरे भाई ए, ए, ए इसको चाय पिलाओ वो कह रहे हैं लैंड पे कुछ नहीं हो रहा किधर हो रहा फिर हाँ देखो इंटरप्रिटेशन क्या चेंज हुआ प्रायर टू जर्मिनेशन का सही इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए शुड बी एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ ऑफ जर्मिनेशन नॉट द एक्सट्रैक्शन समझ में आया क्या लॉ का सही इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए लॉ का सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए इट शुड बी एन एक्टिविटी फॉर जनरेशन दिस इज एन एक्टिविटी फॉर एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन के नॉट बी सेड एज जर्मिनेशन यस yes, क्योंकि आप इसमें कुछ उगाना नहीं चाहते हैं आप जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं दिस के नॉट फिट विद इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम सो इनकम फ्रॉम कोल ऑब्लिक अदर माइनिंग नॉट एन बोलो तो एग्रीकल्चर इनकम अच्छा सर अंडरस्टैंड कीजिए सर नेक्स्ट चीज अनादर केस आपके सामने है. हाँ जी किधर गया हाँ नहीं किसी ने किया तो भी चलेगा आ रहा हूं उसमें है केस तो सर बात उन दिनों की है बात उन दिनों की है। बात उन दिनों की है जब क्या हुआ मैंने और ए ने एक लैंड ले ली बराबर है हमने ऐसा दोनों ने मिलकर के एक लैंड ले ली हम दोनों मस्त घूमते घूमते जा रहे थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ हम दोनों मस्त घूमते घूमते जा रहे थे बराबर इनको सूट भी पहना देते हैं इनको थोड़ा सूट बेल्ट 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 इज इंपॉर्टेंट बाबू ठीक है हम दोनों जा रहे थे अब कंटेंट पे आते हैं सुनो तो हमने लैंड ले ली थी फिर हम हमारा पढ़ाने में लग गए बीस साल बाद हम दोनों को लगता है कि यार चलो एक काम करते हैं जाके तो आते हैं देखते तो हैं क्या हाल चाल है यहाँ पे बहुत सारे सागवान के पेड़ उग चुके थे तब तक बहुत सारे सागवान के पेड़ हमको लग गया भाई साहब ये तो ज़ोमेटो से ज्यादा का प्रॉफिट दे रहा है कट सोल्ड इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम नाउ दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियसली ग्रोन मतलब जहां पे हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्री बोला जाता है ये सो नो क्या बोला जाता है बेटा अब जैसे जंगलों में जाके पेड़ किसने लगाया किसी ने नहीं, नहीं लगाया स्पॉन्टेनियसली ग्रो हुए वो काट के किसी ने बेचा हम पुष्पा का ही तो एग्जाम्पल ले रहे हैं यस yes, तो ये ग्रोन ट्री इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम और नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम यस और नो वाई सर नो अभी देखो मेरे भाई ने क्या कहा था जर्मिनेशन अब इंटरप्रिटेशन क्या आया होगा कोर्ट के सामने देर इज अ जर्मिनेशन बट इस वर्ड को हमें पूरा पढ़ना होगा ह्यूमन स्किल एंड लेबर प्रायर टू जर्मिनेशन एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल परपज लोगों ने अपने फायदे के लिए इसका सिर्फ सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया समझ में आया इतने केसलो ही क्यों हुए क्योंकि क्लियर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन लिखा ही नहीं था तो लोगों ने इसका जो इंटरप्रिटेशन उठाया वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन उठाया एक एक वर्ड जितना अपना फायदा था उतना उठाया और इंटरप्रिटेशन चालू कर दिए ये अनादर एक 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 केस लॉ कहा होता गया कोर्ट के अंदर में बैठ गया ये एग्रीकल्चर है या नहीं अब इतने केस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी भैया तीस तीस परसेंट सेव हो रहा है ऐसा क्या कर रहे लोगों के तीस तीस परसेंट सेव हो रहे और एक बार ये केस जीत गए तो आजीवन टैक्स देने का काम नहीं पड़ेगा तो लोग बिंदास केस डाल देते चलते रहेंदे भाई कोई तकलीफ नहीं है अब बताइए इसको क्या कहा जाता है स्पॉन्टेनियसली ग्रोन थ्री टाइम आज दिन एग्जामिनेशन इनकम फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्री इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम अब आपके मन में आएगा सर ऐसे तो कोई बोल देगा कि मैंने उगाया था फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा ए बोलेगा बिल लेके आ अगर तूने उगाया था तो तेरे पास सीड्स ख़रीदे होंगे उसके बिल फिर बिल लेने जाएंगी पहली बात तो बिल मिलते नहीं बैकडेटेड दूसरी बात मिल भी गए तो तीन गुना रेट में खरीदने पड़ते तीसरा ये हमेशा चांसेस है वो मेरे पास आए ये वो और पूछे बिल तेरा है क्या तेरे सेल्स में दिखा ये किधर है समझ में आया पूरी हर को याद रखना चलो जी हुए सारे केसेस आओ नेक्स्ट केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट केस बताइए इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम और नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम सर हमारी जो मिट्टी थी ना ये लाल मिट्टी थी लाल मिट्टी समझते हो ठीक yeah. है हमने ये लाल मिट्टी उठाई और इससे ईटे बना दी विजय ईट ब्रिक्स क्या बनाया हमने ब्रिक्स अब जरा अंडरस्टैंड कीजिए ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन इज इट अ जर्मिनेशन सो मेकिंग ब्रिक्स और अदर फॉर्मेट लाइक दिस इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम पर ये भी मैटर कोर्ट में गया हुआ है आ जाओ मेकिंग ऑफ ब्रिक्स नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम डन भाई साहब चलो फिर एक केस आपके सामने एक पार्टनरशिप फर्म है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीकल्चरल इनकम कमाई और इस फर्म ने रेमुनोरेशन दिया पार्टनर को फर्म की इनकम पार्टनर की इनकम पार्टनर की इनकम फर्म की इनकम एग्रीकल्चर सॉर्टेड मैं आपका पॉइंट बोरो कर रहा हूं पार्टनर की इनकम वाई म्यूचुअल एंटिटी म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर डिनोट द फर्म फर्म डिनोट द पार्टनर और फर्म ने थोड़ी मेहनत करी है उधर आप इसको अगर शेयर होल्डर जैसा समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं वहां शेयर होल्डर एक्चुअली कंपनी के भी आप पे नहीं जाता पर यहाँ तो पार्टनर एक्चुअली जाएगा ना फिर पूछता हूँ फर्म का इनकम पार्टनर का इनकम पार्टनर का भी एग्रीकल्चर अगर नहीं तो एक्सप्लेन कीजिए जी 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 सर हाँ थोड़ा सा बस जोर से बोलिए सो हाउ डज इट मैटर तो पार्टनर को जो रेम्यनोरेशन मिल रहा होगा वो तो फिर एग्रीकल्चर पर्पज ही माना जाएगा ना भले ही फर्म उसे एज एक्सपेंसिस ट्रीट कर रही होगी बट यहां पे ह्यूमन स्किल एंड लेबर जो इन्वॉल्व कर रहा होगा वो तो पार्टनर ही कर रहा होगा या एम्प्लॉय के थ्रू कर रहा होगा कोई भी कंपनी जो है वो एम्प्लॉय के थ्रू ही काम करते हुए आती होगी ना ओनर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड खुद थोड़ी ना सारी फार्मिंग करता होगा तो जो वहां पे आके नौकरी कर रहा है उसकी इनकम थोड़ी ना एग्रीकल्चर बन जाएगी वो तो सैलरी रहेगी ऐसा ही पॉइंट है ना आपका तो ये नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए पार्टनर वाला बराबर तो मेरा भाई कह रहा है ये नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए अगर पार्टनर जो है उसको रेमोनोरेशन दे रहे तो पार्टनर का इनकम एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है तो नॉन एग्रीकल्चर हुआ ऐसा मेरा भाई कह रहा है किसी और का कोई रिजर्वेशन मैं तो बोलता हूं म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट है पार्टनर डिनोट द फर्म फॉर्म डिनोट द पार्टनर आप उसको रेवेनोशन नाम से लो या कोई भी अदर नाम से लो है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ही ना जी सर so regularity or irregularity it has nothing to do with income tax even though even though the income is generated in on an irregular basis but i am getting the remuneration on a regular basis how does it matter of non taxation can we say that the firm and the partner are taxed separately yes obviously they are taxed separately Partner has got a separate PAN and firm has got a separate PAN because in person definition the partner forms in the first part and the firms fall in the third part. Individual, HUF, firm—they are taxed separately only. But I am saying there is a mutual agency. You tell me if there is a liability of a firm and firm is, firm do not have any cash, so in that case you are saying partner won't be responsible. That's why there is a concept of mutual agency, no? Company के केस में there was a separate legal entity, ना? पर firm के केस में separate legal entity का concept ही नहीं है. And hence I plead to the court, partner का income भी agriculture मानो. Understand? इसने क्या बात कही? Understand करना. This professional lady is saying me, कि sir partner और firm का taxation separate होता है क्या? मैंने कहा हाँ. पर उनकी liability अलग-अलग होती है क्या? ना. जहां फर्म नहीं पे कर पाया म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप के तहत पार्टनर पे आ जाएगा याद है ना और दो पार्टनर अगर वो हो जाते हैं तो तीसरे पार्टनर को उनकी वोबिलिटी पड़ा सा याद आ रहा है।, है, ना? और अगर है तो फिर जो इनकम आ रही है वो तो फिर पार्टनर की इनकम बन गई तो क्या आप है पार्टनर को भी जो इनकम आ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम ही है हाँ जी बच्चे हाउ डज इट मैटर मैम इफ नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेट से इन द नेम ऑफ रेमुनरेशन लेट से इन द नेम ऑफ सैलरी लेट से इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट हाउ मेक डिफरेंस इट इज जस्ट चेंज इन नेम नो बट द मैटर इज एक के बैंक अकाउंट से निकल के दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड सर जो पार्टनर फर्म के लिए काम कर रहे हैं वो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है ना पर पार्टनर फर्म के लिए क्या काम कर रहे हैं फर्म ही अगर एग्रीकल्चर में एंगेज है तो अरे सर दैट इज एन एडिशनल पार्ट डिशनल पार्ट अच्छा मुझे एक बात बताओ विजय एकत्व के लिए क्या कर रहा है पढ़ा रहा है पर विजय सिर्फ पढ़ा ही रहा होगा क्या वो तो बाकी चीजें भी तो हैंडल कर रहा होगा ना हा बट इज देर अपरेट लीगल एंटिटी इफ देर माई होल कंटेंशन इज इफ देर इज नो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट द इनकम जनरेटेड टू द फॉर्म Is equal to the nature of the income generated by partner. I am not, I was not agreeing to this point when it comes to company because there was a separate legal entity. Right now, there is no concept of separate legal entity in case of a firm, and hence the court has decided income generated from firm. इनकम जनरेटेड फ्रॉम फर्म टू पार्टनर वेयर फर्म इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज एन एग्रीकल्चरल इनकम तो भाई साहब कोर्ट ने सेम पॉइंट को एक्सेप्ट किया और बोला कि सिंस बोलो बेटा सिंस दे आर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भाई और बहनों कौन सी इनकम बनेगी बोलो जल्दी से एग्रीकल्चरल इनकम क्लियर है दोस्त यस yes. सिम फर्म इनक्लूड्स एल एल पी फॉर दर्पज ऑफ इनकम टैक्स आई नो बट इनकम टैक्स एक ही एल एल पी इनक्लूड्स फर्म अनदर केस आप सभी के सामने देखते हैं आप में अब हिम्मत है क्या अर यू रेडी सर एग्रीकल्चर लैंड इसको बेच के पैसा आया स्पेशल इनकम करेक्ट हाँ इनकम अब क्या तकलीफ है अब जो इनकम आ रहीकल्चरल एग्रीकल्चरल्चर इज देर एनी ह्यूमन स्किल सर ह्यूमन स्किल इन्वॉल्व है मैंने दो लोग थे जो ज्यादा पैसा दे रहा था उसको बेचा ह्यूमन स्किल समझदारी थी कहीं सर देखो इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम दिस इज फर्दर सब्जेक्ट टू फर्दर इलेबरेशन रूरल है कि अर्बन है एटसेट्रा एट्सेट्रा तो रूरल है अर्बन है कि नहीं है एटसेट्रा एट्ट्रा ये सब फर्दर पॉइंट पर डिस्कस होगा आगे इज दैट डन अच्छा नेक्स्ट केस आप सभी के सामने सर आपको पता है एग्रीकल्चरल लैंड पे खम्भे लगाए जाते हैं याद है क्या आपको एग्रीकल्चरल लैंड पे खम्भे लगाए जाते हैं बड़े बड़े खम्बे इलेक्ट्रिक के पोल्स लगाए जाते हैं इसके लिए इन्हें कंपनसेशन मिला इनकी लैंड हाईवे बनाने के लिए एक्वायर कर ली कंपनसेशन दिया नितिन गडकरी जी ने एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर 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 क्यों क्या तकलीफ है अब अब सेल नहीं हो रहा है कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है आई यू गेटिंग द पॉइंट दिस इज ऑल टूगेदर सेल सेल इज ऑलवेज वॉलंट्री कंपलसरी एक्विजिशन इज मैं ये लैंड ले रहा हूं बदले में इतने पैसे रख क्या ऐसा होता है इतने बड़े बड़े जो हाईवेज बन रहे कहाँ से बन रहे लोगों की लैंड ले लिया जाता है इन्हें कंपनसेशन दिया जाता है द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी एक्विजिशन द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी एक्विजिशन द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी एक्विजिशन जस्ट गिव गिवे मूमेंट इससे मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या ये स्पेसिफिकली यहां कहीं कवर है क्या इनकम की डेफिनेशन में यहां तो स्पेसिफिक कवर नहीं दिख रहा है तो फिर कहीं स्पेसिफिक कवरेज है क्या देखो ना क्या कुछ आगे चलते हम आगे चल के आप कैपिटल गेन में कंसेप्ट पढ़ेंगे क्या दिख रहा है बेटा एक्विजेशन क्या दिख रहा है बोलो बेटा कंपल्सरी एक्विजेशन सरकार ये जो कंपलसरी एक्विजेशन कर रही है क्या इसके ऊपर टैक्स देगी हाँ या हाँ? हाँ या हाँ? देगी या या और ये टैक्सेबल होगा तभी तो हम आगे चल के इस पर टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे सो आ जाओ नाइन्थ पॉइंट इनकम फ्राम कंपल्सरी एक्विजेशन यहाँ पे लिख दीजिए ऑल्सो रिफर कैपिटल गेन इट इज एन एग्रीकल्चर इनकम नो इट्स नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम बट टैक्सीबल है या नहीं है या आगे डिस्कस करेंगे तो ये टैक्सेबल है या नहीं है ये आगे डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन सी जी इज दैट डन हर इनकम फ्रॉम फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम इनकम फ्रॉम फार्मिंग ये तो एग्रीकल्चर इनकम है इसमें इस तो कोई डाउट ही नहीं है ओके इनकम फ्रॉम रेंटिंग एग्रीकल्चरल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, जिसको हम बटाई कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बटाई इससे टेन एग्रीकल्चर इनकम यस। बराबर है चलिए आज आपको इतना सब कुछ सोचना है आज का होमवर्क मैं आपको बता दूं मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया तीन क्वेश्चन सेल्फ स्टडी में आज आपको क्या करना है सेल्फ स्टडी में आज आपको दो चीजें करनी है पहला एक क्विक रिवीजन कीजिएगा किसका चैप्टर नंबर वन का एक क्विक रिवीजन आप लोग को करना है दूसरा एग्रीकल्चर सिर्फ ऊपर से पढ़ के आना वी आर येट टू स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर यस चलिए कुछ होमवर्क दिए थे मैंने आओ बेटा जल्दी से पहला था पहला क्या था पहला था शायद सिक्सटीन पॉइंट टू फिफ्टीन तो यहां दिख रहा है मेरे को ओके आई गेस पहला फोर्टीन पॉइंट टू था व्हाट वाज़ द टोटल इनकम एक बार कोई बुक देना ए पूर्वा बुक दे तूने किया नहीं किया है। पहला फिफ्टीन पॉइंट था कि फोर्टीन पॉइंट था दे इधर? चलो पहला था फोर्टीन पॉइंट टू किसके ऊपर बेस था पहला आपका जवाब आ रहा है फोर्टीन पॉइंट टू का ठीक है टोटल इनकम शायद सिक्स लाख नाइन्टी थाउजेंड थी क्या चेक करो नहीं रे इधर लिखा है तो फिफ्टीन पॉइंट टू लिखा है एक मिनट रुको तुम्हारे पास फोर्टीन पॉइंट टू दिख रहा है क्या हाँ तो सीधा फिफ्टीन पॉइंट टू ही है तुमको एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन बोल रहे हो तुम एम बोलो ने एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन वॉज इट फाइव करोड़ वन लैख जहां पर आपका टोटल इनकम था फाइव करोड़ वन लैख ठीक है चलो फाइव करोड़ वन लैख पे सबसे पहले टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ निकालना था वट वॉज द फॉर्मूला टैक्स ऑन टैक्स ऑन बोल बेटा फाइव करोड़ अलोंग विथ अ सरचार्ज ऑफ बोलो अलॉन्ग विथ अ सरचार्ज ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस टोटल इनकम माइनस फाइव करोड़ सर एटीन फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव टोटल इनकम माइनस फाइव करोड़ इज इट वन लैख योर टोटल टैक्स भाई साहब सुनो ना सुनो ना जितने लोग बात करें प्लीज दो मिनट के लिए शांत हो जाओ होमवर्क आपका आप देख लो नहीं तो वो भी छोड़ देता आपकी क्या इच्छा है चेक कर ले पाँच करोड़ में से पहले दस लाख बाजू हुए बचे हुए पे तीस परसेंट एड एक लाख बारह हज़ार पाँच सौ प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट इज़ दिस टोटल कमिंग टू एटीन फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी फ़ाइव इसमें पूरा एक लाख रुपए एज इट इज़ एड कर दो इज इट एटीन सिक्सटी वन फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव और इसमें सीधा सीधा एच ई सी एड कर दो एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फाइनल आंसर इज वन नाइन थ्री सिक्स जीरो टू फाइव जीरो दोज वू है होमवर्क आर यू गेटिंग दिस आंसर परफेक्ट दिस वॉज योर होमवर्क नंबर फोर्टीन देन आई एम कमिंग टू फिफ्टीन पॉइंट टू क्या नालायक होमवर्क नहीं किया तूने फिफ्टीन पॉइंट टू इज योर इनकम सेवन लैख कैन आई से नील आपको इसके अंदर में पूरा रिबेट मिला होगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज दिस डन नेक्स्ट होमवर्क आपका था फिफ्टीन पॉइंट फोर बराबर है यहाँ आपका पीजीबीपी इनकम है वन करोड़ फोर्टी नाइन लैक्स और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सिक्स लैक्स और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए है ट्वेल्व लैक्स प्लीज चेक योर टैक्स इज इट वन लाख टेन थाउजेंड इज इट वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ये न्यू स्कीम के हिसाब से है क्या बैलेंस वाला इज इट एज पर न्यू स्कीम आपका टैक्स आता है फोर्टी वन लैख सेवेंटी थाउजेंड एवरीबर डे यहां पर आपका सरचार्ज आएगा क्या आपकी टोटल इनकम दो करोड़ से ऊपर है क्या आपकी टोटल इनकम दो करोड़ से ऊपर है द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज विल बी फिफ्टीन परसेंट इज इट eighteen thousand? इज इट फाइव टू सिक्स टू फोर हंड्रेड गए क्यों आंसर आपका फिफ्टीन पॉइंट फोर का आंसर आपका फिफ्टीन पॉइंट फोर का आंसर इज इट फिफ्टी टू लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यस और नो यस आगे के जो होमवर्क है ये हम लोग देखेंगे कल बराबर है दोज हु कुड नॉट कंप्लीट मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रख रहा हूं प्लीज हैव अ फोटो या तो मैं एक काम करता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज भी देता हूं Any student, any kind of doubt, please come. Yes or no? Shall you? वो ये वाला फिगर सही आया तेरा ये, 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 वाला, ये, वाला। ये वाला सही है ये वाला भी सही है ये वाला भी सही है तो गलत कहा है या आया टू थर्टी या आया फोर्टी वन सेवेंटी कैलकुलेटर किधर है अरे सर प्लस टू थर्टी बराबर तो है तू क्या गलती करी है पता है इसके टोटल पे तेको एच ई सी निकालना है तू क्या कर रही है मालूम है टू लैख थर्टी थाउजेंड था। प्लस फोर्टी वन लैख सेवेंटी थाउजेंड इस प्लस फिफ्टीन परसेंट प्लस फोर परसेंट उतना ही तो आ रहा है तू प्लस ना करके डायरेक्ट कर रही है एग्जाम्पल दे